Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
आप सब भी थक गए लग रहा है मुझे, साड़ी भी संभाल ली, मर्दंग भी संभालना, अपने आप भी चलना।
श्रीमद भागवत महापुराण की जय। सुखदेव गोस्वामी की जय। महाराज की जय। हनुमान की जय। रामचंद्र की जय। हनुमान की जय। जय श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज की जय। Thank you.
चलो 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 चलो
Thank you.
लग सकते हैं। इधर अंदर आओ, पकड़ के रखते रहो, रुको बस यहीं रुको, देते रहो देते रहो देते रहो, रुको रुको हाँ देते रहो देते रहो, इनको आप तरह तरह आप तरह उधर उधर तो मौसी उधर उधर कैसे नहीं उन्हें देते रहो एक एक करके रखते रहो कुछ तो मुझे हाँ रख दो कुछ पीछे रख दो चलो अब तो कितने रह के दो रह के दो दो पीछे रख दो दो पीछे रख दो पीछे आराम से हाँ पीछे रख दो थाल वाला यहाँ रख दो इसको इसको सामने इसको यहाँ रख दो हम कल क्या करेंगे कल ये थोड़ा पीछे और करते हैं जगह हो जाएगी यहाँ पे जगह थोड़ा पीछे हो जाएगा चलो पानी पी ले जा जी जी नहीं ऐसा कुछ हाँ और स्थानीय है ना सर अगर ठंडा चाहिए सुनो चेयर निकाल दो बाहर हरे कृष्णा सभी एक बार इधर आ जाए सबका हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल दे दो Thank you.
सबको दे दिया, पीछे दे दिया, सबका हाथ में फूल पहुंच गया। हरे कृष्णा, मेरा हाथ पकड़ कर तुम भी ले लो। अब लोग सब मेरे पीछे पीछे बोलिए, बोले ओम स्वस्ति न गोविंद, स्वस्ति न अच्युतानंद, स्वस्ति न वासुदेव विष्णुर दधातु, स्वस्ति न पुरुषोत्तम दधातु, स्वस्ति न वैनतेयो हरि, स्वस्ति न अंजनासुत हनुर्भागवत दधातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलकेश महान श्री कृष्ण सचिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव, जेषां इंदिवरस्याम हृदयस्थो जनार्दन, माधव माधव बाची, माधव माधव हृदि स्मरन्ति, साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद तमादि देवं करुणा निदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो, अभी हम लोग ने जो मंत्र पढ़ा है ये स्वस्ति वाचन है। ये भागवत को बताया निगम कल्पतरूर गलितम फलम, मतलब है ये भागवत ये कल्प वृक्ष है। बोले कल्प वृक्ष कहते हैं किसको? बोले जिस वृक्ष को नीचे आप बैठ करके कथा सुनो, आपका मन में जो कुछ इच्छा हो, जो कुछ मांगोगे। इसलिए पद्म पुराण में बताए जिनको संतान नहीं उनको संतान होता है। इसलिए हमने देखा एक व्यक्ति का 25 साल से कोई संतान नहीं था, उन्होंने सब तरह का व्यवस्था कर लिया संतान हो, लेकिन हुई नहीं। लेकिन उन्होंने एक सप्ताह उन्होंने भागवत कथा सुनी, उनको पता है, अरूबी को पता, विशाखा को पता, अभी 25-30 साल के बाद में घर में उसका बेटा जन्म हुआ। केवल ये भागवत की कृपा से। जिनको नौकरी चाकरी नहीं है, कहते अगर भागवत कथा सुनना पड़ेगा आपको, नियम से सुनना पड़ेगा, और नौकरी चाकरी मिल जाएगी। जिसकी धन की ज़रूरत है वो धन देती हैं, जिसको घर में सुख शांति की ज़रूरत है वो सुख शांति देती हैं। इसलिए भागवत को कल्प वृक्ष बताया गया, मतलब जो कुछ आप मांगोगे ये भागवत नहीं। जिस समय भगवान कृष्ण बांके बिहारी ये दुनिया छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव वहाँ पर थे। बोले प्रभु आप तो दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं किसका शरण में जाऊँ? कृष्ण स्वयं बांके बिहारी बोले, बोले मैं तो एक स्वरूप से जा रहा हूँ, लेकिन इसी जगत में दूसरे स्वरूप में रह भी रहा हूँ। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु जी आप किस रूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत है, बोले तेन अयंग बांगमय मूर्ति, मतलब भगवान स्वयं शब्द ब्रह्म रूप में ये ग्रंथ रूप में जगत में विद्यमान है। इसलिए अगर आप लोग
ये भागवत कथा को ध्यान से, एक मन से, अगर ये कथा को आप सुनोगे, आप 7 दिन के अंदर में जो कुछ मांगोगे आप देखोगे आपको सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन सुनने का कुछ नियम भी है, जैसे किसी वैद्य के पास में जाओ, डॉक्टर के पास में मेडिसिन लो ना, वो कुछ परहेज भी बताता है, और बगैर परहेज के जिंदगी भर मेडिसिन लो, मेडिसिन काम नहीं करेगा, बोले इसका परहेज किया है। बोले पहला परहेज है 7 दिन तक बिना खाई कथा सुनो। बोले भैया भूखे ना भजन हो गोपाल, हम तो भूखे से कथा नहीं सुन सकते। बोले अगर ये नहीं कर सकते हो, बोले 7 दिन तक घी पी कर कथा सुनो। बोले ये तो पेट पतला हो जाएगा। बोले अगर ये भी नहीं हो सकता है, फलाहार करके कथा सुनो। बोला ये तो ठीक ठाक है। बोले अगर इसमें भी तुम्हें कठिन है, एक बार अच्छे तरह से भोजन करो और अच्छे तरह से आप फलाहार ले लो, भोजन एक बार फलाहार, ये सबसे बेस्ट बताया गया। लेकिन अगर इसमें भी अगर किसको दिक्कत हो, बोले जितना बार भोजन करना करो कोई बात नहीं, लेकिन कथा को आप ध्यान से, ये कथा को ध्यान से अब कथा सुनो। ये भागवत नहीं, ये कथा कौन किसको सुनाया, ये शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में। अब लोग कोई अमरनाथ गए हो, कौन कौन अमरनाथ गए हो, एक दुख का कोई गए हो, वहाँ पर आप जाएंगे तो देखना, जहाँ पर शंकर जी स्वयं, देखो कोई एरे गेरे व्यक्ति कोई बात बोले ना, हम उसको कोई महत्व नहीं देते, इसका बात का क्या महत्व है। लेकिन मोदी कोई बात बोले तो बोले भैया प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, ये बात में तो कुछ दम है। उसी तरह ये कथा कौन सुना रहे हैं, स्वयं शंकर जी। शंकर जी कौन है, कहते सत्यम शिवम सुंदरम, ये सुना रहे हैं। बोले किसको सुना रहे हैं, बोले जगदम्बा जगत जननी, जिसको हम घर घर में पूजा करते हैं, ये माता पार्वती को ये कथा सुनाया अमरनाथ ने। इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा। शंकर जी स्वयं कहते हैं ये कथा सुन करके ही मेरे को अमरत्व की प्राप्ति हुई। पार्वती कहती है प्रभु फिर तो मेरे को ही सुना दो, क्योंकि आप तो अमर बन गए, लेकिन मैं तो जन्म जन्मांतर से मरते जा रही हूँ। तो शंकर जी बोले पार्वती ये कथा जहाँ तक नहीं सुनाया जाता है, एकांत में मैं सुनाऊंगा। बोले कहाँ पर, बोले अमरनाथ में चलो। तब शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में कथा सुनाए, इसलिए इसका नाम अमर कथा, ये शंकर जी स्वयं कहते हैं। बोले पार्वती भी उसको पहले शरीर छोड़ी, अब हरिद्वार में गए होंगे जहाँ कनखल है, वहाँ पर सती ने शरीर त्याग दी। एक जन्म नहीं, कितने जन्म तक उसने शरीर त्याग दी, लेकिन जब से उन्होंने ये भागवत कथा सुनी तब से माता सती तभी से ये शरीर नहीं छोड़ रही। मतलब स्वयं शंकर जी कहते हैं ये कथा को सुन करके मैं स्वयं अमरत्व को प्राप्त की, और पार्वती जिसको जगदम्बा जगत जननी वो भी कथा सुन करके अमर हुई, और जिन जिनियों ने सुने वो भी अमर हो गए। देखो परीक्षित महाराज अमर है, ध्रुव प्रह्लाद अमर है, तुलसीदास अमर है, हनुमान अमर है। क्यों, अभी घर घर में पूजा हो रही ना, ये तो अमरत्व बन गए। इसलिए जो भगवान की भक्ति की कथा सुने वही अमरत्व को ही प्राप्त किया, नहीं तो गद्दे सुअर जैसे मर गए, दुनिया में कोई उसको पूछे नहीं। लेकिन अगर भगवान की कथा सुनोगे इसी जीवन में भी अमरत्व, उसको बाद में तो जब तक दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी नाम अमर कथा रूप में तुम्हारी नाम रह जाएगी। इसलिए ये भागवत कथा नहीं, ये अमर कथा है, हैं, ये अमर कथा भागवत कथा। इसलिए आप लोग हृदय से, लेकिन कथा सुनने का एक नियम, विश्वास पूर्वक कथा सुननी चाहिए। कैसे सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, लेकिन ये कलयुग में इतना दुर्भाग्य है, ये हीरो हीरोइनी को तो हम विश्वास कर लेते हैं, सिनेमा को तो हम विश्वास कर लेते, जो गंदी झूठ मूठ का एक चीज बना दिया सिनेमा, वहाँ 3-3 घंटा बैठ करके आग फाड़ फाड़ करके पैसा दे दे करके बुद्धि को भ्रष्ट करके आते हैं। लेकिन जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो भागवत कथा है, इसमें हमारी विश्वास नहीं, गंदी चीज में हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भागवत कथा में, गीता में, ये चीज में हमारी, विशेष करके अभी जो नौजवान बच्चे हैं, हैं जो नौजवान बच्चे हैं, इनको ये सब चीज़ में विश्वास नहीं है, इस सब चीज़ में विश्वास नहीं। उनको विश्वास तो जितना हीरो हीरोइन में, इनकी विश्वास इसी चीज़ में, गंदी चीज़ में विश्वास है। इसलिए बच्चे लोग अभी पिता माता की सेवा करना, गुरुजन को सम्मान करना क्यों नहीं देते हैं, कारण क्या है, कारण है इनको ये सब चीज़ में कोई विश्वास नहीं। विश्वास है जितने हीरो हीरोइन में, जितने उल्टा पुलटा चीज़ में,
और उनमें इसी चीज़ को विश्वास है, इसलिए घर में शांति सुख नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा अशांति सब चीज़ें। इसलिए अगर हम जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं क्या करो, भागवत कथा सुनो। हमारी हिंदू संस्कृति देखो, मैं एक समय जयपुर में कथा करने गया था। मैं आ रहा था, देखा एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। मैंने उसको पूछा, 10 साल का बच्चा था, मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, वो मुसलमान नाम बताया, समझ गया ये मुसलमान। मैंने कहा तेरे को कुरान आती है, वो झटा झटा बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल से ये कुरान पढ़ाया जाता, बोले 2 साल से कंपलसरी मुसलमान धर्म में। अब देखना शुक्रवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके मेन रोड में बैठ कर कुरान पढ़ाते हैं। हम हिंदू बच्चों को गीता का कोई एक श्लोक पूछो, कोई श्लोक बच्चों को कोई श्लोक पूछो, इनको ऊपर देखेंगे। कौन हीरो हीरोइन का नाम पूछो, सारे याद है, जितने गंदी चीज़ को याद करके रख लिया। लेकिन जो असली चीज़ जिसमें शांति सुख मिलेगा उसमें कोई हमारी रुचि नहीं, ये दुर्भाग्य का चीज़ है। इसलिए अब लोग भागवत कथा को ध्यान से सुनो। देखो अगर पिता माता स्वयं अगर भक्ति नहीं करेंगे, बच्चों के अंदर में ये संस्कार नहीं दे सकते हैं। अगर बच्चों को अंदर में संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे नास्तिक बनेंगे, तो पिता माता को अनादर करेंगे। कौन सिखाता है, प्रात उठ रघुनाथा मात पीत गुरु न महिमा था। रामायण देखो, भगवान स्वयं राम सवेरे उठ करके अपना पिता माता के चरण छूते हैं। बच्चों को पूछो कोई चरण छूते हैं, अभी किसी बच्चों को पूछ लो कोई चरण छूते हैं, बोले क्यों, बोले रामायण नहीं पढ़ते। इसलिए पिता माता का आदर नहीं करते। इसलिए अगर हम चाहते हैं हम भी अच्छे बने, बच्चे भी अच्छे बने, पहला गुरु पिता माता है। पिता माता जो करेंगे बच्चे वही सीखेंगे, इसलिए पहला गुरु पिता माता है। पहले स्वयं को भक्ति में डालना पड़ेगा, तभी जाकर के बच्चे भक्ति में आएंगे, नहीं तो बच्चे भक्ति नहीं आएंगे, पिता माता को आदर नहीं करेंगे और अंगूठा दिखाएंगे। इसलिए हमारी ये भागवत रामायण में हमें रुचि हो। अब लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो, वो अपने इस्कॉन मंदिर में जाना, देख लेना इस्कॉन मंदिर में सारे अंग्रेजी लोग, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया में तो पहले बताया ना, वहाँ के लड़कियाँ सरकार से लड़ रहे हैं, बोले क्यों, बोले हम साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाएंगे। रसिया में लड़ रही लड़कियाँ, हमारा भारत में हम जीन्स पहन करके क्यों नहीं जाएंगे कॉलेज, मतलब इतना फर्क। अभी अंग्रेजी लोग हमारी संस्कृति को ले रहे हैं, लेकिन हम लोग अंग्रेजी का जो झूठन चीज़ है जो खा करके फेंक दिया। अब वृंदावन में जा करके देखो अंग्रेजियों को तिलक लगाए, कंठी लगाए, चोटी, भगवान के नाम भजन कर रहे, हरिनाम कर रहे हैं वो लोग सब। देखा ये सब, मतलब विदेशी संस्कृति में कोई शांति सुख नहीं। इसलिए अभी हमारे भारतीय संस्कृति में धीरे धीरे वो लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं, वो लोग गले में कंठी माला तिलक वो लोग पहन रहे हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं जीवन में सुखी और शांति में रहे, हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाओ, हमारे ऋषि मुनियों की शिक्षा को ग्रहण करो, यहाँ भी सुखी रहेगा उधर भी सुखी रहोगे, नहीं तो इधर भी कोई सुख नहीं उधर तो कोई सुख का नाम कोई गंध भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए आपका हृदय में जो भावना है 7 दिन में कथा सुन करके आप जो पाना चाहते हो वो चीज़ को भागवत से प्रार्थना करो, और विशेष करके भगवान के चरण में भक्ति प्रार्थना करो। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की, जय जय श्री राम। हाँ जी, भागवत के ऊपर में जो पुष्प है आप बोलो। आरती पढ़ जा। भगवान के हैं श्री भागवत।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
कल से करना हो गया, कल से करना, कल से हे भगवत कृष्ण प्राप्ति आप लोग सब बैठ जाओ गुरु मुखा पदमा बाचा चित ते करिया कब आर ना करिया मने आशा ते गुरु चारण राति ऐसे उतामा गति जय प्रसाद पूरे सर्व प्रेम भक्ति जाए अभी तब हृदय सब लोग बैठ जाए। हरे कृष्ण। हाँ, जो लोग नीचे बैठ सकते हो अच्छा है, जो चौक में बैठते हैं वो चौकीदार है, और जो जमीन में बैठे वो जमींदार है, जमीन में बैठने वाले जमींदार है, और जो जमीन में बैठ नहीं सकते आप लोग चेयर में बैठे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुः
करुण मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवे सत्यवतये नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं श्रुविदावतारं अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी को हाथ कर बोलो हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि हरि। जोर कर बोलिए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सदश्री श्री श्री माध भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सदश्री श्री श्री माध भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही बढ़िया दिन है क्योंकि हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर सबके सब उपस्थित हुए हैं। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे साथ में जन बल हो लोग हमें मदद कर रहे हैं जो काम तो हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं हो अगर मन बल हो जो काम को हम मन के बल पर कर सकते हैं, लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम हैं जिसको हम आत्मा बल पर कर सकते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे ये भागवत कथा सुनना और ये भागवत कथा को रखना न तो कोई जन बल से कर सकते हैं न तो कोई अर्थ बल से कर सकते हैं
ना तो कोई मन बल से कर सकते हैं, ना तो कोई आत्मा बल से कर सकते हैं। जब तक श्री ठाकुर जी की, श्री बांके बिहारी जी की, गुरु जी की कृपा बल नहीं हो, कभी ये भागवत कथा कोई रख भी नहीं सकते और ये कथा कोई सुन नहीं सकते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं, बोले ये भागवत कथा की इतने दुर्लभता है, बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसः। बोले हे श्री परीक्षित, आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, और विशेष करके ये महीना का नाम क्या है, ये साधारण लोग तो इसको मलवास कहते हैं, लेकिन जो वैष्णव लोग इसको पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। और ये महीना 3 साल के बाद में ये महीना एक बार आती है, लेकिन ये महीना आने पर हम क्या करते हैं, जैसे कोई गृह प्रवेश हो, नई शादी हो, कोई भी शुभ काम को हम घर में नहीं करते हैं, क्योंकि जो 12 महीना उसको सारे, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये सब के सब बांट दिया गया कौन सा महीना में कौन सा महोत्सव है, लेकिन ये अधिक महीना में कोई समय नहीं, इनके लिए कोई शुभ दिन ही नहीं है। इसलिए ये 3 साल में आने का बाद में भी इसमें कोई भी शुभ काम हो, फिर कहते मलमास से तो मैं 3 साल 3 महीना में एक बार आता हूँ, फिर मेरे को मलमास मलमास कहते हैं, फिर उसमें कोई शुभ काम ही नहीं करते हैं। एक दिन वो दुखी होकर के श्री भगवान जगन्नाथ जी को पास में, भगवान बांके बिहारी को पास में पहुँचे, बोले ठाकुर जी मेरे को जान से ख़त्म कर दो। बोले क्यों? बोले आता हूँ 3 साल 3 महीना के बाद में, फिर मेरे को मलमास मलमास कहते हैं, फिर इसी महीना में कोई शुभ काम करते ही नहीं, कभी ये कोई जीवन है? लेकिन उन्होंने श्री ठाकुर जी की शरण में गए, लेकिन भगवान की शरण में जो जाते हैं, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, अगर ठाकुर जी की शरण में कोई चले गए तो कहते सारे अमंगल जीवन से दूर हो जाता है और जीवन में मंगल मंगलमय आ जाता है। इसलिए ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, तुमने मेरे शरण में आ गए हो, इसलिए आज से मेरा नाम जैसे श्री पुरुषोत्तम देव है, आज से तुम्हारी नाम भी सबके सब श्री पुरुषोत्तम, मतलब भगवान कृष्ण व जगन्नाथ जी, उसी नाम से तेरे को आज से पुकारेंगे। अगर इसी महीना में आप लोग कभी वृंदावन धाम में जाओ, कितने लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, हजार हजार लोग, कल तो इतना भीड़ था श्री गिरिराज गोवर्धन में, आप सोच नहीं सकते, क्यों? कल था पूर्णिमा थी कल, और वृंदावन में अभी जा करके देखो कितने लोग, हजार हजार लोग परिक्रमा करते हैं, कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं सत्संग हो रही है, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया है अगर इसी महीना में कोई थोड़ी सी कोई पुण्य कर्म करे उसको 1000 गुण ज़्यादा फल मिलेगा। अगर एक माला कोई ठाकुर को जप करे ना, उसको 1000 माला करने की उसको फल मिलेगा। इसलिए ये महीना की विशेष विशेष महत्व श्री पुरुषोत्तम महीना में, विशेष करके ये पुरुषोत्तम महीना में कभी जो श्रीमद् भागवत जो कथा सुनना, जितना पुण्य में सबसे श्रेष्ठ पुण्य बताई गई ये भागवत कथा सुनने का, ये महीना में सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसमें भगवान की कथाएँ हैं, ठाकुर जी की भक्तों की कथा ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा ही रहे थे, कहते हम जिन जिन देवताओं को पूजा करते हैं, ये इंद्र चंद्र वायु वरुण, जितना स्वर्ग के 33 करोड़ देवता, सबके सब अमृत कलश लेकर के आए। बोले सुखदेव गोस्वामी आप ये परीक्षित को क्यों कथा सुना रहे हो? क्योंकि इनको श्रृंगी ऋषि के अभिशाप है, ये 7वें दिवस में इनको तक्षक दंशन करेगा, इसलिए कथा सुना रहे ना। बोले हाँ। बोले लो ये अमृत कलश ले लो।
आप इनको पिला दो ये अमर बन जाएगा, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा ये हमें सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको भगा दिया वहां से, बोले तुम कथा नहीं सुन सकते हो, तुम लोग सौदा करने के लिए आए हो कथा को, ये भागवत नहीं। ये भागवत में ये साक्षात भगवान श्री जुगल सरकार राधा कृष्ण हैं, और भगवान को साथ में कहां ये तुच्छ अमृत को बराबर करने के लिए जा रहे हो, उनको वहां से भगा दिया उनको। इसका तात्पर्य है जो लोग ये श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं कभी ये लोग देवता लोग से भी ज्यादा पुण्यात्मा है, ये चीज को विश्वास करते कि नहीं। कभी जो नसीब देवता को नहीं मिला आज, वो नसीब कहाँ पर मिल रहे हैं, हमारे श्री ओम वीर प्रभु और श्री कल्पना दासी हैं, कल्पना देवी देवी और श्री ओम वीर, ओम वीर प्रभु ना, हाँ देखो इन्होंने अपना उन्होंने नया घर बनाया। देखो नया घर में उन्होंने साधारण लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा लोगों को बुला करके शराब और मांस की वहाँ पर भीड़ लगा देते हैं, हैं? गंदी गंदी पिक्चर की गाना चला करके उल्टा पुल्टा डिस्को डांस में नृत्य करते हैं, हैं? लेकिन इन्होंने क्या किया, जब गृह में प्रवेश कर रहे हैं बोले नहीं, घर में हमारी श्रीमद् भागवत कथा हो, घर में संत लोग आए, हरिजन आए, घर में हरि कथा हो। इसलिए ये भागवत का श्लोक है, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जथा चुतादर कथा प्रसंग। कहते जिस घर में ये भागवत कथा हो, कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। आपको पता है पृथ्वी में कितना तीर्थ है, आपको पता है, बोले 6 अरब। कितने हैं? 6 अरब तीर्थ पृथ्वी में। कहते जिस घर में ये भगवत कथा हो, ये 6 अरब तीर्थ, अगर लाख करोड़ों पैसा खर्चा करने पर भी आप इतने तीर्थ में कभी स्नान नहीं कर सकते हो, 6 अरब तीर्थ में। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति ये भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया, वो बैठी बैठी करके 6 अरब तीर्थ में यहीं पर बैठी बैठी करके स्नान कर लिया। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। अरे जोर से बोलो, आप आज कोई व्रत रखे हो? नहीं है ना। देखो आप जितने जोर से ठाकुर का जयकार दोगे ना, ठाकुर का थोड़ी जय है, उनका तो जय जय है ही है, लेकिन जब उनकी जय देते हैं हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, हमारे जय होता है। इसलिए जोर से जयकार बोलो, बोले श्री बांके बिहारी की जय। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर ये भागवत कथा हो, वो घर सारे तीर्थमय हो जाता है, सारे तीर्थ आकर के हैं इसी घर में, सारे तीर्थ आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए कहते देवता लोग भी संपूर्ण अमृत का विनिमय में भी कथा नहीं सुन सके। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कभी ये स्वर्ग की बात छोड़ दो, कभी ये जो भागवत कथा सत्य, सत्य मतलब जहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं, कहते वहाँ पर भी ये कथा नहीं हैं। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कथा है तो बेदे भावना बिहाए, कथा है तो बेदे भावना बिहाए, कथा है तो गोस्वामी तुलसीदास जो पयार बोलते हैं ना, आप लोग तो हिंदी समझते हो ना, देखो पयार में क्या कहते हैं। अगर कहीं ये भागवत कथा हो, विधि मतलब ब्रह्मा,
वो कहाँ से आते हैं? बोले ब्रह्म लोग। बोले ब्रह्म लोग कहाँ पर है? कहती है भूर भुव मोह जन तप, और ये ब्रह्मांड का सबसे जो उच्च स्थान इसको ब्रह्म लोग कहते हैं। आप लोग कितने दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं? 1 मीटर, 10 मीटर, 20 किलोमीटर, नहीं तो 50-100 किलोमीटर से ज़्यादा तो कोई नहीं आ गया ना। लेकिन अगर कहीं भागवत कथा हो, कहते ब्रह्मा जी ब्रह्म लोग से, ब्रह्म लोग कितने दूर? अरब खरब किलोमीटर से। वो ढाई ढाई मतलब क्या? दौड़ दौड़ करके। हम दौड़ दौड़ कर कहाँ जाते हैं? जहाँ पर पैसा मिलेगा वहीं पर हम दौड़ दौड़ करके जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को पता है ये भागवत कथा से जितने प्रॉफिट ही मिलेगा ना, जगत में और कोई बिजनेस में इतना प्रॉफिट ही नहीं मिल सकता है। इसलिए मीरा कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सबाय। और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि जो संपत्ति, जो भगवान की भक्ति संपत्ति है, इस जगत का पैसा कमाते कमाते अरब खरब रुपया कमाओ, आंख बंद होते ही सब खत्म। यहाँ से एक सुई धागा भी हमारे साथ में नहीं जाएगी, सब यहीं रह जाएगी। अंतिम समय में क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने पैसा तुमने कमाया सब छोड़ करके यहीं जा रहे हो, जितने तुम राम और कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, और जितने तुमने कमाया सब छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए भागवत में बताते हैं मरने का साथ बाद में जब महाराज को सामने खड़ी कर दिया जाता है, वो प्रश्न करते हैं ये जीवन पाकर तुमने क्या किया, वो ये नहीं पूछेंगे बेटा को इतना पढ़ाया, बेटी को इतने पढ़ाया, इतने पैसा कमाया, ये बात पूछेंगे नहीं। वो पूछेंगे तुम्हें ये 84 लाख जन्मों के बाद में ये जो देव दुर्लभ शरीर तुम्हें दिया था, जो काम के लिए, किस लिए दिया? बोले आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भजन के लिए आए थे, भजन को तो रख दिया एक साइड में, और जो करने के लिए नहीं आए थे लग के उसमें। वहाँ एक ही प्रश्न उत्तर देना पड़ेगा, कितने तुमने भजन किया है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, केवल वही धन ही मिलेगा और कोई धन मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म लोगों से दौड़ दौड़ करके आते हैं, वो अकेले नहीं आते हैं, पत्नी को लेकर। शंकर भी कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन अकेले नहीं, पार्वती को लेकर के आते हैं। बोले क्यों? देवता अकेले नहीं आते, वो सब पत्नियों को लेकर के आते, कोई भी अकेले नहीं आते। बोले अकेले क्यों नहीं आते हैं? बोले कारण क्या है? जैसे मानो पत्नी कथा में आई, देखना भागवत कथा सुनने का बाद आपका जीवन पूरा बदला हुआ मिलेगा। जिस जैसे भाव लेकर के आए थे, यहाँ से जब जाओगे ना आपका भावना पूरा बदली जाएगी। पता चलेगा ये जीवन है क्या चीज, ठाकुर हमें दिया क्यों। लेकिन अगर पत्नी आएगी कथा सुनने के लिए, उसको पता चलेगा भैया जीवन दुर्लभ है, ये जीवन पाकर भजन करनी चाहिए। अगर पति नहीं आएगा तो पत्नी को पता चलेगा भजन करनी चाहिए। जो माला जप करेगी ना, पति क्या बोलेगा? बोले कौन सा बाबा के चक्कर में तू पड़ गई हैं? पहले बोलते थे सिनेमा चलो, बोलते थे घूमने चलो, अभी समय हो तो बोले वृंदावन चलो, सत्संग में चलो, अभी कहती हो भजन के लिए हैं। अगर पति आए, अगर पत्नी नहीं आई, अगर पति को ऊपर रंग चढ़ेगा, 7 दिन के बाद में सबको ऊपर रंग चढ़ेगी, रंग चढ़ेगा तो अगर पति भजन करना शुरू करेगा, गीता रामायण पढ़ेगा, पत्नी बोलेगी भाई काम धाम नहीं, जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो, फिर पत्नी इसको ताना मारेगी। लेकिन अगर दोनों अगर कथा सुनने के लिए आए, अगर दोनों अगर कथा रूपी गंगा में स्नान किया तो बस बड़ी सुंदर से आपकी गाड़ी बढ़िया रूप में चलेगी। क्यों? फिर तो उल्टा पुल्टा गंदे रास्ता में अब नहीं जाओगे, सही रास्ता पर चलोगे जिसमें शांति और सुख मिलेगी। देखो जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता रहता है, लेकिन हमने ये पिंजरा को दिन भर पेंटिंग करते हैं, लेकिन अंदर में तोते को खाना नहीं खिलाते, बताओ क्या होगा? बताओ, केवल पिंजरा को पेंटिंग करते रहो लेकिन तोते को खाना मत खिलाओ, बताओ क्या होगा? तोता मर जाएगा कि नहीं? हम दिन भर केवल ये जो पिंजरा है ना, इसको ही खिलाओ, इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, इसको जिम में ले जाओ, इसके में भैया इसके जो अंदर में तोता बैठा है ना, तोता वजह से ये पिंजरा है,
तोता उड़ गया तो इस शरीर को बोले निकाल यहाँ से, तेरा दिन तक अशुद्ध रहेगा, है बोले निकाल इसको। जिस शरीर को स्नान करके छूते थे उसको छू करके फिर स्नान करना पड़ता है। इसलिए असली जो तोता है उसका आहार क्या है, उसका आहार भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम ही इसकी आहार है। इसलिए उसको आहार दो, केवल ये शरीर को दिन भर खिलाओ खिलाओ पेंटिंग करो भैया ज़्यादा दिन नहीं चलेगी ये है। इसलिए आत्मा को आहार किया भगवान की भक्ति। इसलिए कहती ये कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं, ये कथा शिवलोक में भी नहीं, कभी ये कथा वैकुंठ नास्ते अमरस, कभी ये जो सौभाग्य आज हमें मिला है कभी ये वैकुंठ में भी ये रस नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले गाया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भुसोड़ा, गाया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भुसोड़ा, आ गाया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भुसोड़ा, गाया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भुसोड़ा। राम चरण रति भक्ति अखंडा, राम चरण रति भक्ति अखंडा, गायो गरुड़ जहाँ बस ए भुसोड़ा, गायो जब हम लोग कीर्तन करेंगे ना हम लोग पीछे पीछे जरूर ताली बजाना। क्या करना, क्या करोगे? हाँ देखो जो ताली बजाना है ना ये भी एक साइंस ही है, ये मत समझो भक्ति तो एक भावुकता, भावुकता इसमें कुछ नहीं है, नहीं इसमें एक साइंस ही है। आप लोग सुनोगे आँखों पर चल सुने कि नहीं, ये उन हाथ और प्यार से ये सारी बीमारी को, आप रामदेव बाबा का योगा देखे हो, अब देखना वो कहते ना यहाँ पर ये पैंट दबाओ कैंसर सही होगा, इसको दबाओ आँख का ज्योति बढ़ेगी, ये दबाओ तुम्हारी डायबिटीज सही हो जाएगा, इसको दबाओ तुम्हारे हाई प्रेशर, अब देखे कि नहीं। लेकिन जब आप ताली बजाते हैं ना तो ना सारे पैंट से दबते हैं, अब स्वयं देख लेना, अब थोड़ी समय ताली बजा लो ना शरीर में सारी ऊर्जा प्रकट हो जाता है, क्योंकि जितने सारे नस है अब देखना वो पैर और हाथ से सारे जुड़ा हुआ है। जो हमारी भक्ति में जो नृत्य करते हैं कभी साइंस ही है, क्योंकि नृत्य करने से वहाँ भी पैंट सारे दबती हैं, दबने पर शरीर की ऊर्जा प्रकट होता है शरीर में हैं। इसलिए अगर आप ताली बजाओगे तो क्या होगा, शरीर का बीमारी आपकी सही होगी। अब दूसरा कारण क्या है, वो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे आंगन में गेहूँ सुखाने के लिए दिया, कोई चिड़िया चुभ रहा है उसको भगाने के लिए क्या करते हैं, ताली बजाते हैं ना, ताली बजाओ तो चिड़िया उड़ जाती है। कभी जब हम भक्ति करते हैं ये पाप रूपी चिड़िया भी आकर के सर पर बैठ जाता है, लेकिन जब ताली बजाई ये पाप रूपी चिड़िया ये उड़ जाती है। और सबसे ज़्यादा लाभ है जब हम संसार में ज़्यादा परेशानी हो जाते हैं, इतने परेशानी हो जाते हैं, इतने परेशानी एक को बाद में एक, एक को बाद में एक, फिर क्या करते हैं ज्योतिष को पास में जाते हैं, भैया भैया थोड़ा हाथ देखो तो ये परेशानी क्यों दूर नहीं हो रहा है, क्या ज्योतिष तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो बोल सकता है लेकिन परेशानी दूर नहीं कर सकते, कौन कर सकते हैं, ठाकुर कर सकते हैं। इसलिए मंगल भवन अमंगल हरी, इसलिए ठाकुर दूर करते हैं। लेकिन जैसे हम ताली बजाते हैं, कब ताली बजाते हैं, किसकी ग्लोरी में, हम कहते हैं ना ताली बजा करके उनको स्वागत कर, कहते ना ताली बजा करके, यहाँ पर जो ताली बजा रहे हैं किसको स्वागत कर रहे हो बताओ, यहाँ किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो, बांके बिहारी ठाकुर जी की। लेकिन भगवान ऐसे हैं जो दिन को रात, रात को दिन कर सकते हैं, मरा व्यक्ति को जिंदा, जिंदा व्यक्ति को वही मार सकते हैं। अगर उनकी भजन में ताली बजाओगे ना, देखो हमारा जो भाग्य रेखा है कहते माताओं का ये है, ये वाला उल्टा हाथ का ये रेखा, और पुरुष लोगों का सीधा हाथ का ये भाग्य रेखा, इससे आप पहचान सकते हो तुम्हारी भाग्य कैसे है। लेकिन जब ताली बजाओगे, दोनों हाथ में ताली बजाओगे, तुम्हारी भाग्य रेखा बदला देंगे ठाकुर जी, मानते हो? इसलिए जब ज़्यादा दुखी हो ना ठाकुर को सामने बैठ कर ताली बजाओ, उनका कीर्तन करो, क्योंकि उनकी कीर्तन से ही, उनका आशीर्वाद से तुम्हारी
ये दुख दूर हो सकता है। इसलिए जो जितने जोर से चाली बजाओगे पाप रूप चिड़िया उड़ेगा, शरीर का बीमारी सही होगी और क्या होगा तुम्हारी भाग्य रेखा भी ठाकुर जी बदला देंगे। ठीक है, सबके सब पीछे पीछे ताली बजा करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल मतलब क्या है? हरि मतलब भगवान का एक नाम हरि। हरि मतलब होता है हमारे दुख कष्ट को जो हर दे, इसलिए उनका नाम हरि। बोल मतलब क्या? जब तुम हरि का नाम बोलोगे क्या होगा, जीवन का तुम्हारे सारे दुख कष्ट हरण हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं हरि बोल, हरि बोल। इसलिए भगवान का नाम में बड़ा शक्ति बड़ा ताकत है। आप लोग बोलोगे अरे हरि बोलने से क्या होता है, नहीं, कि जो दुनिया है ना सारे शब्दों के ऊपर में चलता है, सारे शब्दों के ऊपर में। जैसे जैसे ओम बिरी प्रभु है, अगर हम बोलेंगे ओम बिरी प्रभु बहुत अच्छा है, बड़े दयालु है, सबको ऊपर में दया करते हैं, स्वभाव नेचर बड़ा मीठा स्वभाव है, शब्द ही है ना, खुश हो गए इतने। लेकिन अगर थोड़ी सी किसको दो शब्द गाली दे दो दांत तोड़ देगा तुम्हारे, दांत तोड़ देगा उस समय। थोड़ी सी अपशब्द किसको बोल दो सारे शब्द का थैले। जब ये साधारण शब्द इतने आनंद देने वाले तो भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता है। इसलिए बोले मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान का नाम सारे शब्दों के ऊपर। संसार में देखना सारे शब्दों के ऊपर में बहुसास में क्यों लड़ाई हो जाती है, बस थोड़ी सी शब्द जीवा थोड़ी सी फिसल गया तो घर में पूरा महाभारत। महाभारत क्यों हुआ है, द्रौपदी इतना शब्द बोल दी अंधा ना बेटा अंधा होता है, पूरा महाभारत रच गई उसने केवल शब्द के ऊपर में। लेकिन हम जब भगवान का नाम ले ठाकुर का नाम ले, ये भी तो शब्द हैं, लेकिन ये किसका नाम है, भगवान का नाम है। ठीक है ना, बोले सब ताली जब बजाकर जोर जोर से बोलो बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल Thank you.
इसलिए शंकर जी कहते पार्वती जगत में तब सब चीज सुलभ है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ा दुर्लभ है। तब माता पार्वती कहती है प्रभु जगत में किस चीज की दुर्लभता है? शंकर जी स्वयं कहते हैं बोले पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसार। ये संसार में जो भगवान की कथा जो सत्संग है ये बड़ा दुर्लभ है। पार्वती कहती है प्रभु दुर्लभ कहाँ, देखो सुलभ है। हमारी वो भी प्रभु घर में कथा रखे ना, देखना पूरा परिवार को निमंत्रण दिया होंगे कथा सुनने के लिए आने, लेकिन कितने लोग कथा सुनने के लिए बताओ। तब पार्वती कहती है बोले आप कहते हैं प्रभु दुर्लभ, तो सुलभ हो गया, ये तो सुलभ है। लेकिन शंकर जी देखो क्या कहते हैं बोले आप तो यही सर अति कठिन आई राम कृपा बिनु आए न जाए। बोले पार्वती सत्संग रखेंगे लेकिन उसमें कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई हीरोइन आ जाए, अभी शाहरुख खान सलमान खान आ जाए, ऐश्वर्या राय आ जाए, हेमा मालिनी आ जाए, किसको निमंत्रण देने का जरूरत है बताओ? जरूरत है, इतने लोग आएंगे खड़े होने का भी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन शंकर जी कहते हैं अगर भगवान की कथा जिसमें शांति है जिसमें सुख है पार्वती कोई नहीं आएगा। तब फिर पार्वती फिर प्रश्न करती हैं बोले प्रभु फिर ये कथा में कौन आती है, कौन कौन कथा में आते हैं? शंकर जी कहते हैं अति हरि कृपा जा पर होए अति हरि कृपा जा पर होए पाप दैया संगत सोए पाप दैया संगत सोए अति हरि शंकर जी कहते हैं पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर का अति अति मतलब स्पेशल कृपा हो सब नहीं आएंगी। जैसे आपके घर में कोई फेस्टिवल कोई उत्सव कर रहे हो आप बताओ कौन उसमें आएगा? आप जिसको निमंत्रण दोगे फोन करोगे आज हमारे घर में साली शादी का सालग्रह है बच्चे का बर्थडे आप आना। लेकिन आपका घर को पास में 9 इंच दीवार को पास में घर है लेकिन आप वहाँ निमंत्रण नहीं दिया वो बताओ व्यक्ति आएगा कि नहीं? लेकिन 1000 मील दूर में नहीं तो कोई अमेरिका लंदन फ्रांस में हो शादी हो रही है अगर आप उसको बुलाओगे ना फ्लाइट में वहाँ से भी आएगा। हाँ कितने 1000 किलोमीटर सफर करके आएगा लेकिन तुम्हारे घर को पास में अगर कोई हो अगर आप उसको नौता नहीं दिया वो क्या आएगा उसमें? नहीं आएगा। शंकर जी कहते हैं पार्वती कथा में कौन आएगा? बांके बिहारी जिसको नौता दिया है। अभी तो फोन करने पर हो जाता है ना हालो बोल दो बस हमारे घर में आ जाओ। इसलिए ये समझो वही लोग ही यहाँ पर आए बांके बिहारी जिसको निमंत्रण दिया जिसको फोन से बुलाया है डायल किया फोन से बुलाया ना वही व्यक्ति ही कथा में वही आए। सब नहीं आ सकते हैं ये कौन कह रहे हैं? ये स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं। ये शंकर जी स्वयं किसको कह रहे हैं? जो श्री माता श्री पार्वती को ये बात कह रहे हैं बोले पार्वती बड़े किस्मत वाले कथा में आते हैं मेरे को कथा सुनने के लिए कैलाश त्याग दे करके ये मरते जगत में आना पड़ता है। क्यों? ये कैलाश में भी ये कथा नहीं इसलिए ये मरते जगत में भारत भूमि में जहाँ पर साधु संत हैं उनके चरण में बैठ करके हम कथा सुनने के लिए मैं स्वयं आता हूँ है। और इसी जगत में देखना हर चीज है ना इसलिए कहते प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम जगत का हर जो सुख है बाद में दुख में परिणत हो जाता है। जैसे कोई बढ़िया से बढ़िया सिनेमा देखा कैसे सिनेमा बहुत बढ़िया 2 बार देखा ठीक है तीसरा बार ठीक 14 बार देख पाओगे? बैठ ही गई ना 5वां बार जा भी नहीं सकते हो। जैसे न्यूज पढ़ते हो एक दिन में पेपर को फेंक देते हो पढ़ते हो दूसरे दिन नहीं देखते हो। कोई रसगुल्ला खाए कैसे बोले बड़ा मीठा है दूसरा खा लो बोले ठीक तीसरा ठीक चौथा बोले और नहीं चौथा खा लिया 5वां में उल्टी हो जाएगी। ये जगत में जो हर आनंद है वो घटेगी बढ़ेगी नहीं। जब शादी करते हो पहले कैसे लगता है? एक चंद्रमा मेरे पास में एक चंद्रमा आकाश में पहले तो चंद्रमा भी लगती है
वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में सूर्यमुखी पर ज्वालामुखी होकर के फिर तो लड़ाई झगड़ा होता है। जगत का कोई भी आनंद आप देखोगे कभी बढ़ती नहीं, घटती है हर आनंद। लेकिन भगवान की कीर्तन देखो, रोज देखो ठाकुर को सेवा करते हो, कहीं दुर्गा चालीसा बढ़ता, कोई हनुमान चालीसा, कोई भगवान का अष्टक बढ़ते हैं। ठाकुर जी को कभी अरुचि आती है तुम्हारी? भगवान का कीर्तन में कभी अरुचि आती है? कभी नहीं आती है। तू जो भगवान वो रस स्वरूप आनंद स्वरूप है, उसमें जो रस अनलिमिटेड रस है, उसमें वो रस स्वरूप भगवान है, इसलिए उसमें कभी अरुचि नहीं आएगी। लेकिन संसार का कोई भी चीज में धीरे धीरे ये आनंद घटेगी, कभी बढ़ेगी नहीं आनंद, हर समय घटते रहेगी। लेकिन भगवान के भजन में कभी घटेगी नहीं, ये दिन दिन बढ़ेगी ये आनंद है। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती भक्ति में वही आ सकते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का जिसका पुण्य उदय हुआ है, वही आ सकते हैं, नहीं तो कथा में नहीं बैठ सकते वो लोग। लेकिन सिनेमा में 3-3 घंटा बैठ जाएंगे, मूवी देखेंगे तो 3-3 घंटा बैठ जाएंगे, यहाँ 10 मिनट बैठे ना चिट्ठी काटने लग जाएगा, भागो यहाँ से, चलो कभी यहाँ से चलो, यहाँ से कभी चलो। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को ये भक्ति में भजन में उनको रुचि होता है, सभी का रुचि कथा में नहीं होती है। इसलिए हम लोग जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं, कोई बोलेगा भैया यहाँ 3-3, 4-4 घंटा क्यों बैठे? देखो आज कोशिश करेंगे ये कथा सुन का क्या महत्व है। कहते अगर ये समय को हम किसी बिजनेस में लगाते तो कुछ प्रॉफिट होता है ना, बेकार 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठ करके अपना समय को हम वेस्ट क्यों करेंगे? लेकिन भागवत में राधा रानी स्वयं कहती हैं ये भागवत में तुम्हें जितना लाभ होगा ना, और कोई बिजनेस में तुम्हें इतना लाभ नहीं होगा। इसलिए राधा रानी स्वयं कहती हैं कथा सुनने का 7 लाभ है। कितना लाभ है जोर से बोलो, आज मैं बोलूँगा कल मैं पूछूँगा देखूँगा, जो बोल पाएगा ना 7 लाभ किया उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है? आज ध्यान से सुनना, ये कौन कह रही है? राधा रानी स्वयं कहती हैं बांके बिहार की कथा में, भागवत कथा में कितने लाभ है। बोले तब कथा मृता कहते हे श्याम सुंदर तुम्हारी ये कथा नहीं, ये कथा अमृत है, हैं ये कथा अमृत है। इसलिए शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में ये कथा सुनाए, इसलिए भागवत का एक नाम हो गया अमर कथा, इसलिए उसका धाम का नाम भी हो गया अमरनाथ नाम हो गया, जिसमें शंकर जी स्वयं कहते हैं ये कथा सुनकर के मैं भी अमरत्व को प्राप्त की। और माता पार्वती भी देखो घर घर में इनकी पूजा होती है ना, घर घर में तो पूजा होती तभी तो अमर बने। इसलिए पहला लाभ है अमरत्व को प्राप्त करोगे, पर दूसरा लाभ क्या है? तब कथा मृतम तप्त जीवनम। कहते संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, दुखी 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 संसार में है। कहते ये दुख कैसे खत्म होगा? स्वयं राधा रानी कहती हैं हे श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा है ये क्या है? ये बोले तप्त जीवनम, जो उत्तप्त जीवन तुम्हारी, जो दुखमय जीवन है, कथा सुनने से तुम्हारी सारे दुख तुम्हारी समाप्ति हो जाएगी। बोले तीसरा लाभ क्या है? बोले कभी भी रीडितम, कभी कथा को बोलने वाले कौन है? बोले साधारण व्यक्ति नहीं, ये कथा सर्वप्रथम भगवान कृष्ण उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाया, फिर ब्रह्मा जी इसी कथा को फिर श्री नारद जी को सुनाए, फिर नारद जी इसी कथा को श्री व्यास देव को सुनाए, फिर व्यास देव जी श्री सुखदेव गोस्वामी को, फिर सुखदेव गोस्वामी सुतो गोस्वामी, फिर सौनक आदि, ये कथा भगवान से ही बांके बिहारी से ही ये कथा गुरु परंपरा रूप में ये जगत में आ रही हैं।
इसलिए जिस कथा को स्वयं बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिस कथा को गायन किया है, हैं, इसलिए बोले कभी भी रीढ़ बोले कलमसा अपहम। अगर ये कथा को कोई सुनेगा तो क्या होगा, उसको सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। संसार में दुख कष्ट क्यों है, कारण है हमारी प्रारब्ध है, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया है। लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, हमारे जितने पूर्व जन्म का पाप है वो सारे पूर्व जन्म का हमारे पाप नष्ट हो जाएगी कथा सुनने से। देखो आपके लिए छोटी सी कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, ये कल मैं पूछूंगा सभी को। ये रामायण जब श्री वाल्मीकि रामायण लिख रहे थे, और वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले ये कथा को बोल रहे, ये कथा सुनने से क्या लाभ है, हैं? बोले एक समय ये भारत में एक राजा एक रानी थे, जो राजा का नाम था सुमति, पत्नी का नाम थी सत्यवती। लेकिन राजा रानी होते हुए भी देश का, लेकिन घर में श्री राम दरबार था, दोनों पति पत्नी अपना हाथों से सेवा करते थे, ठाकुर के लिए फूल माला बनाते थे, ठाकुर के लिए प्रसाद भोग लगाते थे, और समय मिले तो दोनों बैठी करके भगवान के नाम जप करते थे। अगर ज़्यादा समय मिले राजा बैठी करके वाल्मीकि रामायण पढ़ता था, रानी बैठी करके सुनती थी। एक दिन एक संत थे जिनका नाम था विभांड ऋषि, एक दिन जब राजा का राज्य में आए, इनकी स्थिति देखकर तो आश्चर्य में पड़ गए। देश का राजा रानी और कर रहे हैं क्या, 8 जाम 24 घंटा भगवान के नाम कीर्तन में। लेकिन हमारे पास में थोड़ी सी ज्यादा पैसा हो जाए ना, ए भगवान को फेंक देते हैं, ए बेकार जो भक्ति कौन करते हैं, जो बेकार लोग भक्ति करते हैं, हैं? थोड़ी सी पैसा होते ही घमंड आ जाती है, अभिमान आ जाती है। लेकिन विभांड ऋषि आश्चर्य में पड़ गए, राजा रानी होते हुए इतनी भक्ति। तब ऋषि ने उनसे प्रश्न किया, आपकी अंदर में इतनी भक्ति आई कैसे? इतने में स्वराजा कह रहे हैं, बोला आप संत हो, ये बात अभी तक मैंने किसको बोला नहीं, जीवन में पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप संत हो, मेरी 4 जन्म की बात मेरी याद है। बोले कैसे? बोले 4 जन्म से पहले मेरा नाम था मालती, मेरी पत्नी का नाम थी काली, मैं बड़ा दुष्ट था, हर तरह का गंदा काम किया, चोरी गुंडागिरदी मांस खाना शराब पीना, ये जितने सारे पाप कर्मों का मैंने जिंदगी में की। परिवार वाले दुखी होकर घर से मेरे को निकाल दिया, मेरी जो पत्नी इसका नाम काली, उसने तो अपना पति को ही उसने हत्या कर दिया, इसकी परिवार भी इसको घर से निकाल दिए। बोले हम दोनों घूमते घूमते हम दोनों जंगल में जो मिले, अकेला जीवन बीत नहीं रहा था, दोनों इकट्ठे रहे, जानवर को मार करके मांस खा करके जीविका निर्वाह कर रहे थे। लेकिन जब हम दोनों वृद्ध हो गए, हमसे पैसा रोजगार नहीं हो पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, बड़े दुख में जीवन बिता रहे थे, हठात देखा वो वशिष्ठ आश्रम का पास में रहते थे, देखा वहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठे होते हुए, हमने सोचा भैया आज इतने लोग इतने इकट्ठे क्यों हो। तब हम दोनों वहाँ पर गए, हमने सुना यहाँ पर 9 दिन तक प्रभु राम की कथा होगी, और जो व्यक्ति ये कथा सुनने के लिए आएंगे उनको कथा के बाद में प्रसाद की व्यवस्था। हमने खुश हो गए, बोले भैया 9 दिन तक तो कोई चिंता की बात नहीं, आओ कथा सुना, ठाकुर का प्रसाद मिलेगा। केवल हम प्रसाद के लोभ से हम जाते थे और बैठ करके कथा सुनते थे, प्रसाद पाते थे। जब हमारे जीवन ऐसे बीत गया, मृत्यु का समय आई, कहते हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य, ये तीनों से ये कर्म करते हैं, इसलिए जमदूत तो हमें पकड़ करके ले गए। जब महाराज चित्रगुप्त को बोला, चित्रगुप्त मतलब क्या है, चित्र मतलब होता है फोटो लेना, गुप्त मतलब होता है छुपा करके, इसका मतलब है अगर हमें सोचे अरे हम क्या कर रहे, को कौन क्या देख रहे, नहीं, हर कर्म का फल हमें एक एक करके भुगतना पड़ेगा, थोड़ी सी भी। इसलिए उनका नाम धर्मराज, धर्म का राजा है, हैं? थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होगा। अगर कोई सोचे 10 तला बिल्डिंग के ऊपर में ताला बंद करके दरवाजा बंद करके कर रहा हूँ, कौन देख रहा है, मतलब दिन में ये सूर्य साखी है, सूर्य किरण सर्वत्र है, रात को ये रात साखी है, सारे कर्म। देखो एक पिता का 5 बच्चे हैं, देखना नेचर से अलग अलग है, एक बच्चा तो खाना नहीं जुटा सकता है, और एक बच्चा इतने पढ़ाई इतना पैसा कमाता है जो सोच भी नहीं सकता, क्यों, ये सब कर्म का फल है, हैं? इसलिए उन्होंने कापी खोले, बोले महाराज जी इसने तो बहुत पाप किया है दोनों,
बोले थोड़ी बहुत तो पुण्य भी है। बोले हाँ, ये वशिष्ठ का आश्रम के पास में रहते थे, नवरात्रि में 9 दिन तक कथा और भगवान का प्रसाद, इतना ही पुण्य है। सुन करके तो जम खुश हो गए, बोले इसका सारे पाप खत्म कर दो, क्योंकि वशिष्ठ आश्रम एक संतों का आश्रम में 9 दिन तक रामायण कथा सुने, फिर भगवान का प्रसाद पाए, सारे पाप खत्म कर दो और इनको रमा वैकुंठ में भेजो। कहते 100 साल तक इतने ऐश्वर्य हमें भोग किया, हमको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। फिर हमने ब्रह्मलोक में आए, वहाँ भी 100 साल तक ऐश्वर्य भोग किया। उसके बाद में स्वर्गलोक में और मर्त्य लोक में देखो, हमारे ठार बार तो देखो, हमारे ठार बार देखो। इसलिए कारण है, हमने केवल 9 दिन तक हमने रामायण कथा भगवान की प्रसाद खाने का इतना महत्व है। इसलिए मेरे को सारे जन्म की बात याद पता है। अगर अनजान में एक कथा में बैठ गया, हमें पता नहीं कथा क्या क्या फल है, अगर इसका इतना पुण्य हो सकता है, अगर जिंदगी भर ठाकुर का नाम ले, भजन करे, उनकी सेवा करे, ठाकुर हमें क्या नहीं देंगे। इसलिए हम दोनों पति पत्नी राजा रानी होते हुए भी समय को नष्ट नहीं करके भगवान के भजन में हम समय को लगा रहे हैं। ये रामायण में स्वयं उपस्थित श्री वाल्मीकि स्वयं ये बात को लिख रहे हैं। इसलिए जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, ये सब के सब फल आपको ब्याज समेत आपको सब के सब फल मिलेंगे। लेकिन ये दुनिया के जो कर्म है ना, कुछ भी नहीं मिलने वाले, ये सारे खत्म हो जाएगी। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, कथा सुनने से सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। बोले श्रवण मंगलम, जो कथा सुनेगा जीवन का अमंगल दूर होगा, जीवन में मंगलमय होगा। श्री मतलब संपत्ति, श्री मतलब शोभा, श्री मतलब जस। जो कथा सुनेगा उसको जगत में जस, अर्थ, बल और नाम, कीर्ति सब कुछ जीवन में उसको प्राप्त होगा। जो आठवां फल है, कभी जगत में बहुत बड़े बड़े दानी हैं, बड़े बड़े दानी, लेकिन सबसे जगत में बड़े दानी कौन है? बोले जो भागवत कथा को जो दान देते हैं, जैसे हम शिव ओम गिरी प्रभु जी जैसे भागवत कथा कर रहे हैं, अपना तो कल्याण है ही है, घर का भी कल्याण है, और जो सुनने के लिए आएंगे उनका भी कल्याण कल्याण है। इसलिए कौन कह रही है? ये राधा रानी स्वयं कहती हैं, ये कथा सुनने का जितने महत्व है और उतना महत्व किसकी है नहीं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भागवत में 2 उपाख्यान आती हैं, कितना उपाख्यान आती हैं? हाँ, ये भागवत का जो महिमा श्री पद्म पुराण में बताई गई, मैं पद्म पुराण में ये भागवत कथा की महिमा बताई गई, जिसमें कथा आती हैं एक गोकर्ण धुंधुकारी और एक भक्ति की महिमा, इसमें 2 महिमा आती हैं। इसलिए हमारे बीच में 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे आपको 2 कथा सुनाएंगे, ये भागवत की महिमा के ऊपर में, ठीक है? देखो हम बच्चों को तैयारी करते हैं, क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए कुछ दिन बाद में, इसलिए ये बच्चे तैयारी होंगे तो ये बच्चे भी आगे, ये बच्चे भी तैयारी हो। आप लोग ये मत समझो, अरे जो लिखे पढ़े नहीं, जो पैसा नहीं कमाते हैं, वही सब बाबा बन जाते हैं, वही सब तिलक लगा कर संत बन जाते हैं। इसलिए करते क्या करते, बोलो तो बोलो, बोलो भाई में, बोलो बोलो, अरे बोलो, इसको खोलो, इसको माइक खोलो। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में एज़ अ मैनेजर वर्क करता हूँ। देखो ये बच्चे लोग लिखा पढ़ा सीख गए, लेकिन उसको साथ साथ में भक्ति करते हैं। लेकिन अभी का बच्चे थोड़ी सी लिखा पढ़ा सीख गए ना, बस भक्ति भक्ति को फेंक के आगे देते हैं, भक्ति भक्ति को। बोलो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं जना तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पूज्य पाठ श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है थोड़ी सी हरिकथा सुनाने के लिए, तो मैं प्रयास करूँगा जो मैंने गुरुवर्गों से सुना है उसी को ही दोहराने का मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा। देखिए, जो गुरु जी ने आज्ञा दी है वो उस कथा को सुनाने का कहा है जिसके अंदर ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की कथा भागवत के अंदर में आती है। आप सभी ने सुना होगा, ये प्रायः बड़ी प्रख्यात ये कथा है। इसके अंदर श्री नारद जी, एक बार नारद जी क्या करते हैं, हमेशा वीणा बजाते हैं और भगवान के नाम का गायन करते करते सारे जगत में वो भगवान के नाम का प्रचार भी करते हैं और खुद भी आनंद में करते हैं और सारे जगत के जीवों का वो कल्याण करते हैं। तो नारद जी एक बार साधु संग की भगवान की कथा प्रसंग की इच्छा से एक बार जगत भ्रमण में निकलते हैं। भ्रमण करते 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 नारद जी कहाँ पर आ गए, नारद जी आ गए हैं वृंदावन में। वहाँ आकर के उन्होंने बड़ी एक आश्चर्य घटना देखी, एक बड़ा आश्चर्य देखा उन्होंने। उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर एक स्त्री है, युवती, बड़ी सुंदर एक युवती है, वो तो एक ऊँचे सिंहासन पर बैठी है, दुखी है। और देखा दो पुरुष हाँ बूढ़े नीचे पड़े हुए हैं और वो स्त्री जो है वो बड़ी कष्ट में है। नारद जी ने उसको देख करके थोड़े हैरान हुए, नारद जी उसको देख ही रहे थे, इतने में वो युवती बोल पड़ी, नारद जी नारद जी नारद जी कहाँ जाते हो, जरा इधर आइए, मेरे दुख का जरा निवारण कीजिए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, मुझे कैसे जानती है। नारद जी को जानना आसान नहीं, बहुत कठिन है। असली साधु को यहाँ भागवत में बहुत अच्छी शिक्षा है, असली साधु को पहचानना बहुत कठिन है जगत के अंदर। जो शिव जी हैं वो पार्वती से कहते हैं, गुरु भव संति शिष्य विताप हार क, दुर्लभम सद्गुरु देवी शिष्य संताप हार क। हे पार्वती, इस कलयुग में इस जगत में ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे आपको जो क्या करेंगे, शिष्य विताप हार क, तो शिष्य का जो वित्त है ना तो उसके धन का हरण करेंगे, झूठे मूठे लोग दिखा करके, झूठी मूठी बात बोल करके क्या करेंगे, उनके वित्त का हरण कर लेंगे। लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम मिलेंगे जो क्या करेंगे, शिष्य संताप हार क, तो शिष्य के संताप का हरण कर लेंगे। संताप क्या होता है, दुख क्या है, तो हमें ये नहीं पता दुख क्या है तो उसका हरण कैसे होगा। दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान गीता में कहते हैं क्या दुख है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये प्रॉब्लम, इसको क्या बोलते हैं, ये परमानेंट प्रॉब्लम है, यही मेन प्रॉब्लम है। बाकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है। कैसे, देखो जगत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हमारे स्कूल में हम पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, संसार में रहते, कितनी सारी प्रॉब्लम होती, मार्क्स कम आ रहे हैं, आई साइट वीक हो रही है, हेल्थ के इशू, कितने सारे प्रॉब्लम है। लेकिन क्या वो सबके लिए है, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, जो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं, बहुत जोर से ठंड पड़ रही है, क्या हो रहा है, ठंड पड़ रही है, कड़कड़ा की ठंड पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर चला गया, प्रॉब्लम है ना, हमें ठंड लग रही है, तो क्या ये सबके लिए प्रॉब्लम है, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, नहीं है सबके लिए प्रॉब्लम। आपके लिए हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस खोल करके बैठा हो जो हीटर बेचता हो, उसके लिए तो सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, गर्मी ज़्यादा ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो मेरा सारे हीटर्स बिक जाएंगे, एसी बिक जाएंगे ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई ना प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उसी को ही कहा जा सकता है जो सबको आए, जिसको कोई चाहता नहीं और जिससे कोई बच भी नहीं सकता, उसको ही प्रॉब्लम कहा जा सकता है। बाकी सब प्रॉब्लम नहीं होगी, वो किसी के लिए प्रॉब्लम है, किसी के लिए सॉल्यूशन है। बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, प्रॉब्लम है, लेकिन जो ट्यूशन पढ़ा रहा है उसके लिए तो सॉल्यूशन है कि नहीं। आप लोग कितने लोग सहमत है मेरी बात से, हाथ उठाओ। यह आपको इस तरीके से समझना चाहिए शास्त्रों की बातों को, ये प्रॉब्लम, इसलिए बताया भगवान ने गीता में। अब प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से गीता के अंदर बता रहे हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं उनकी चार प्रॉब्लम है।
पहले बताया जन्म, क्या जन्म सबका होता है? ऐसा तो नहीं है कोई बचा उससे, सबका जन्म हुआ है ना तभी तो यहाँ पर आए हैं। दूसरा बताया मृत्यु, मृत्यु सबकी होगी, क्या कोई बच सकता है? नहीं बच सकता, बड़ा आश्चर्य है। ये भी एक दूसरी प्रॉब्लम होगी, जरा माने बुढ़ापा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुढ़ापे से बच सकता है? कोई चाहकर बच सकता है? एक आपने एक नाम सुना होगा, माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, सुना है माइकल जैक्सन का नाम? सुना है माइकल जैक्सन जो था ना, वो एक समय में बड़ा बड़ा फेमस डांसर हुआ, बहुत फेमस डांसर हुआ, और उसके पास में इतना पैसा और बड़े बड़े दुनिया के लोग उसके पीछे पागल थे। उसने क्या सोचा कि मैं अपने ये जो शरीर है ना इसको हमेशा बना करके रखूंगा, और उसने टारगेट सेट किया कि आई विल लिव फॉर 150 ईयर्स। कितने साल जीऊँगा? 150 साल में जीऊँगा। उसके लिए उसने 8 डॉक्टर्स की टीम रखी और एक पर्सनल लेबोरेटरी सेट करी घर में। उसका जो भी खाना होता था लेबोरेटरी में टेस्ट होकर के और डॉक्टर्स के थ्रू उसके पास आता था। उसने बोला जब बीमारी नहीं रहेगी तो मैं कैसे मरूंगा, है ना? उसने क्या सोचा कि मैं परमानेंट रहूंगा, लेकिन क्या हो गया? कितने साल का टारगेट बनाया था? 150, और 52 में मर गया। और इतनी भयंकर मृत्यु हुई, इतनी भयानक मृत्यु माइकल जैक्सन की, उसके सारे पार्ट्स तो नकली थे, नाक नकली, कान नकली, प्लास्टिक सर्जरी करा करा के पूरा सड़ चुका था। कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं हो सकता, इसलिए बताया जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा ये सबको ही आएगा। कितना भी मेकअप कर लो, अपने घर में जाके जब रात में मुंह धोएंगे जब, तो वही दिखेगा। जरा और व्याधि माने प्रॉब्लम्स, बीमारी, बीमारी भी सबको आएगी, किसी को कुछ आती है, किसी को कुछ आती है। जो लोग के पास पैसा कम है उनको छोटी मोटी बीमारी आती, कोढ़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बड़े बड़ी बीमारी, हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियाँ भयंकर भयंकर। एक से बचोगे तो दूसरा आ जाएगा। देखो साक्षात प्रमाण, देखो कोई नहीं बच सकता इस संसार के अंदर, ये बिल्कुल आप अपनी आंखों से न्यूज़ पढ़ सकते हो। जितने भी लोग थे जो बड़े भयंकर पेशेंट्स थे, उनको डॉक्टर्स ने जैसे तैसे रोक रखा था, डायलिसिस करा करा के किडनी के पेशेंट्स को रोक रखा था, भयंकर जिनको शुगर है जिनको रोक रखा था, कि कोरोना ने आकर के सबको धक्का मार दिया। मार दिया कि नहीं मार दिया? सारे वही लोग गए हैं जिनको डॉक्टरों ने रोक रखा था दवाई। बच नहीं सकते, एक बीमारी से बचो के दूसरी तैयारी खड़ी है पीछे। इसलिए कितनी प्रॉब्लम होगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार भयंकर प्रॉब्लम है। अच्छा जन्म भी प्रॉब्लम है? जन्म थोड़ा ना प्रॉब्लम है, जन्म तो बड़ा अच्छा होता है, हम तो बड़ा नाचते हैं, हैप्पी बर्थडे पार्टी होती है, इतनी बोतलें टूट जाती हैं, हो जाते हैं, कितनी कितनी पार्टीज बनाते हैं लोग बर्थडे के दिन। तो क्या ये भी प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। इमेजिन करोगे थोड़ा सा? आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, आपको 1x1 के रूम में, मतलब 1 फिट बाय 1, हाँ 1x1 एक क्यूब बना लो 1 फिट का, उसके अंदर आपको जैसे तैसे फिट कर दिया, क्या कर दिया? घुसा दिया। उसके अंदर अंधेरा है, आपको उल्टा लटका दिया है, आपके चारों ओर खून लार पी मल मूत्र से भरा हुआ है, हाँ, और आपको खाना पीना कुछ नहीं, सांस नहीं ले सकते, सब खाना पीना बस एक नली से आ रहा है। ये क्या, ये किसकी सिचुएशन है? ये जब बच्चा गर्भ में होता है, देखा होगा ना टीवी में या फिर बुक्स पढ़ते हैं बायोलॉजी की, उसमें देखा होगा बच्चा ऐसे ही रहता है ना, उल्टा लटका हुआ होता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री। हमें कितनी गर्मी लगती है 37 डिग्री पर? बच्चा तो उतने में ही रहता है हमेशा। और बताते हैं कि छोटी छोटी जो कीड़े होते हैं ना पेट के अंदर, वो उसको काटते भी हैं, बच्चा वहाँ पे तड़पता है, और हम खुश होते हैं, देखो लात मारा लात मारा, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है गर्भ के अंदर। चलो ये तो गर्भ की बात है, अब जब बच्चा गर्भ से बाहर आ गया, हाँ 5-6 महीने का है, पलंग पे लेटा हुआ है, मच्छर काट रहा है कमर में, मच्छर ने काट लिया या फिर किसी जानवर ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, खटमल ने काट लिया, और बच्चा रो रहा है, खुजली नहीं कर सकता, इमेजिन करके देखो, करो ना थोड़ा सा इमेजिन, उसको कष्ट नहीं होता होगा, भयंकर कष्ट उसको हो रहा है वहाँ पर, लेकिन हम सोच रहे हैं रो रहा है, भूख भूख से रो रहा है, बोतल लगा दो इसके मुँह में दूध की, ऐसा हो जाता है। इसलिए जन्म भी बहुत खतरनाक दुख है, बल्कि सारे दुखों की जड़ क्या है? जन्म ही तो सारे दुखों की जड़ है, इसलिए ये जड़ को काटने से पेड़ नष्ट होगा। इसलिए ऐसे गुरु जो आ करके संसार में सबके जीव, हम लोग क्या है, मिछे माया बद्ध जीव आजे पाछे फिरे, तब इच्छा बिन किछु करिते न पारे। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं क्या करना है,
लेकिन जो सदगुरु होंगे वो आकर के बोलेंगे, भैया तुम कहाँ फंस गए, कहाँ फंसे हो, देखो तो जरा जरा इधर देखो, निकलने का रास्ता भी है, यहाँ से हम निकल सकते हैं। जैसे आपने महाभारत में कथा सुनी है ना, पांडवों को लाक्षाग्रह में फंसा दिया था, विदुर जी ने नीति से बताया कि देखो एक रास्ता बचने के निकलने का है, हमारे पास भी एक रास्ता निकलने का है बच करके। वो क्या है, गुरु जी के अनुगत्य में भगवान कृष्ण का भजन करने से ही हम निकल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। ये संसार बड़ी खतरनाक जगह है, बहुत खतरनाक है, ये समझना ही होगा। हम लोग इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट है कि नहीं, हम लोग क्यों इंटेलिजेंट है, हम लोग हमारे पास में विवेक है, क्या है, क्या सही है क्या गलत है हम उसको समझ सकते हैं, जानवर नहीं समझ सकता। महाभारत का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। क्या आहार, एक खाना, निद्रा सो जाना, भय डरना, हम लोग डरते हैं क्या, हम लोग डरते हैं, हम लोग दिन भर डरते हैं कि हमारे घर में चोर ना आ जाए, ये गेट बड़े बड़े दरवाजे लगाते हैं, ये लगो सीसीटीवी कैमरा, डर ही है सारा दिन, हम मर ना जाए, हमारी नौकरी ना छूट जाए, हमारे माता पिता को कुछ ना हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, डर ही तो है, ये डर है ना ये। इसलिए क्या बताए, आहार निद्रा भय और मैथुन, मैथुन माने अपने जैसे दूसरे बच्चे पैदा करना, सारा जगत यही कर रहा है, एक मच्छर से लेकर के और हाथी तक, बड़े से बड़ा जानवर और छोटे से छोटा कीड़ा, सब ये चार काम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप बताइए। क्योंकि जो शास्त्र की बात है ना, वो कोई झुटला नहीं सकता, कहीं का भले कहीं का चंद आ जाए, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट आ जाए, वो भी शास्त्र की बात को झुटला ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र की जो बात है ना, ये आज से लिखी हुई नहीं है, करोड़ों साल से लिखी हुई है, और कोई भी उसमें आज तक एक शब्द इधर से उधर तक हिला नहीं सका है, किसी की हिम्मत नहीं है, हिलाने वाले आए वो मर भी गए, पर वो वैसा का वैसा ही चला आ रहा है, वो मुसलमान भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन ये सब बातें वैसे ही चल रही है ना। शास्त्र को हटाना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान की इच्छा से चल रहा है। उसी शास्त्र में लिखा है, मनुष्य के पास क्योंकि विवेक है, वो जानवर से हट करके एक काम कर सकता है, क्या, वो जान सकता है, वो जिज्ञासा कर सकता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकता है कि भाई मैं कौन हूँ, के आमी, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये सब क्यों हो रहा है, मुझे क्यों पढ़ाई करनी पड़ रही है, मैं क्यों बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं तो नहीं चाहता बूढ़ा होना, ऐसा क्यों होता चला जा रहा है, मैं तो दुख नहीं चाहता फिर भी आता ही चला जा रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, ये मनुष्य कर सकता, जानवर नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग मनुष्य हैं, हमें इंटेलिजेंट बन करके इस ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्या देना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे क्या हो सकता है। इसलिए शास्त्र में जब जानेंगे तब पता लगेगा कि अब हम आगे कथा तो छूटी जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जोर से बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो आप लोगों का जितने बच्चे है ना, जो यंग बच्चे है सबके सब, हम चाहता हूँ ये बच्चा उनको साइंटिफिकल रूप में ये भक्ति समझाए, क्योंकि जो आप लोग है, जो पुराना लोग है, आपके अंदर में अच्छे संस्कार है, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारी संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, विशेष करके जो यंग स्टार है वो भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं शायद खाना पीना जो आहार निद्रा भय मैथुन खाओ पियो बच्चे जन्म दो और मर जा हैं, ये लोग का जीवन ऐसे हो गया। इसलिए उन बच्चों को ये क्लास देगा यहाँ पर, सर्च फॉर हैप्पीनेस, डज गॉड एग्जिस्ट, हु आम आई, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इस विषय पर ये बच्चों को क्लास देगा। इसलिए कल हम लोग बताएंगे आपका जितने यंग बच्चे घर में उनको सबके सब बुलाओ, यहाँ पर सब बुलाओ उनको सवेरे, जैसे शाम को तो भागवत कथा होगी, सवेरे ये उन बच्चों को इस विषय पर क्लास देंगे, इनका जीवन कैसे प्रभु का भक्तिमय हो, प्रेममय हो, ठीक है, बढ़िया। हाँ, इसलिए भागवत में दो कथा आती हैं, एक तो ये गोकर्ण धुंधुकार की और एक कथा आती है भक्ति वैराग्य की। जिस समय श्री नारद जी देखा जो भक्ति के दो बेटे हैं, एक ज्ञान एक वैराग्य, वो बूढ़े हो चुके हैं, और श्री उनको कानों में नारद जी बड़ी कोशिश किया, उनको कानों में वेद पुराण उपनिषद को एक एक बताने के लिए, लेकिन उनको किसी तरह से उनको आँख नहीं खुली। लेकिन जब गीता भी सुनाए थोड़ी सी तक आँख खुले, कोशिश किया बैठने के लिए, फिर धड़ाम करके गिरे, नारद जी बड़े दुखी हो गए। फिर चतुसन से मिले, चतुसन ने कहा बोले कोई चिंता मत करो, ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, ये भागवत कथा से ही ये ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएगा।
और तुम जो माता हैं, जो भक्ति देवी, नाच उठेगी। सचमुच से जब श्री चतुसन से इन्होंने भागवत कथा सुने, ए प्रसन्न हो गए ज्ञान वैराग्य, और भक्ति देवी एकदम जुवती हो गई और सबके साथ बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय भज गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद थे। और वहां जो कथा सुन रहे थे सभी के लिए रथ आया, सबके सब रथ में बैठ करके भगवत लोक को गमन किया। इसलिए भागवत कथा से ही कहते हमारी जो भक्ति देवी उनका दो बच्चे हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। इसका मतलब है अगर हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, हमारी दो जो बच्चे वो जवान होनी चाहिए। अगर बूढ़े हो गए ना फिर तो भक्ति देवी रोती रहेगी। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे अंदर में ज्ञान नहीं हो, ज्ञान मतलब क्या है, जैसे भक्ति का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान है, हम भगवान की भक्ति करें क्यों, किस लिए, करने से क्या होता है, हैं, कोई जरूरत नहीं भक्ति करने का। अगर भगवत ज्ञान, शास्त्र तत्व ज्ञान नहीं होना फिर तो हम भक्ति करेंगे नहीं। वैराग्य मतलब क्या है, बोले विशेष पूर्वक ठाकुर जी के चरण में हमारे अनुराग होनी चाहिए, है भगवान के बोले प्रेम की भूखे हैं। लेकिन वो दो चीज मिलेगा कहाँ से, बोले भागवत से। जैसे आप देखना 7 दिन तक कथा सुनेंगे ना, आपके अंदर में पूर्ण ज्ञान आ जाएगा, हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमें क्यों भक्ति करनी चाहिए, और किसी किसी ने प्रभु की भक्ति करके भगवत प्राप्त हुई, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, इन लोगों ने कैसे प्रभु का प्रेम करके जीवन में शांति सुख कैसे प्राप्त किया। ये ज्ञान और भगवान के प्रति जो अनुराग प्रेम, ये भागवत कथा से ही आपको प्राप्ति होगी। इसलिए ज्ञान वैराग्य प्रसन्न हो गए, भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, और वहाँ पर जो कथा सुन रहे थे बोले यहाँ तक भी ये भागवत कथा का इतने प्रभाव, वहाँ पर जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े थे ना वो भी मुक्त होकर भगवत धाम को चले गए, इतने महत्व भागवत कथा की। तब श्री नारद जी चतुसन से प्रश्न करते हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रेत योनि में पड़ा हुआ, किसी तरह से उसको उद्धार नहीं हो रहा है, बड़ा दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, देखो कभी कभी देखना घर में सब कुछ है, बेटा बेटी पैसा रुपया सब कुछ घर में है, लेकिन देखना घर में शांति सुख नहीं। बोले क्यों, कहते उसको कहते हैं जो पूर्वज लोग हमारे जो है, कभी कभी अगर उस लोग असंतुष्ट हो, दुखी हो, मरने का बाद में भी जिसको कहते पितर दोष, अब देखना संसार में सब कुछ लेकिन सुख शांति नहीं। बोले क्यों, बोले तुम्हारे जो पितर लोग हैं वो खुश नहीं है, वो दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, इसलिए वहां से अभिशाप देते रहते हैं, दुखी, इसलिए संसार में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। लेकिन उनका उद्धार कैसे होगा, भागवत कथा से, केवल भागवत कथा से उनको उद्धार होगा। इसलिए इन्होंने प्रश्न की अगर कोई प्रेत जन्म को प्राप्त किया हुआ लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं, लेकिन अगर ये भागवत कथा सुन करके क्या उनको उद्धार हो सकता है क्या, तब तो बोले तुमको एक सुंदर एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, हमारे बीच में और एक छोटा बच्चा है, ये भी उसी विषय पर सुनाएंगे कैसे ये गोकर्ण धुंधुकार के इसमें उपाख्यान है, ये इसी विषय पर ये भी कथा सुनाएगा। हाँ देखो ये जो बच्चे लोग हैं वो सब लिखे बड़े बच्चे हैं, लेकिन ये भी ब्राह्मण घर का बेटा है। हाँ ये भी कुछ कहा तुमने, क्या पढ़े हो? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है हरियाणा के सेकंड बेस्ट कॉलेज से, और सेकंड रैंकर हूँ पूरे डिपार्टमेंट का।
देखो ये बच्चे लोग लिखाई पढ़ाई किया है लेकिन उसको साथ साथ में भक्ति करते हैं, लेकिन अभी का जो बच्चे है ना इनको भक्ति भक्ति से कोई रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है, थोड़ा लिखाई पढ़ाई कर दिया ना लेकिन बेकार बात है, सब भक्ति भक्ति है। ऐसे नहीं, शांति सुख तो केवल प्रभु का प्रेम नहीं है, हाँ ये दुनियादारी वस्तु अगर हम सोचते हैं ज्यादा पैसा होने पर सुख होता है ना, स्वर्ग जो रावण का नाम सुने हो, कौन कौन रावण का नाम सुने हो बोलो, उसका सोने का लंका था, हमारे पास में कितना सोना होगा, 10 किलो 20 किलो 100 किलो, इससे तो ज्यादा सोना तुम्हारे पास में नहीं होगा ना, लेकिन उनकी सोना की लंका। हम सोचते हैं शायद अच्छी कोई प्यारी लड़की से शादी कर दे सुख हो जाएगा, रावण का पत्नी का था नाम था मंदोदरी, नाम सुने कि नहीं, मंदोदरी का नाम जानते हो, मिस यूनिवर्स वो थी, उसी समय मंद मतलब होता है पतला, उदरी मतलब कमर, जिसकी कमर इतनी सुंदर थी, रामायण सुने होंगे जब हनुमान सीता जी को ढूंढने के लिए गए उन्होंने मंदोदरी को देख करके मुग्ध हो गए, मंदोदरी को देख कर भ्रमित हो गए, यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, इतने सुंदर। सोचते हैं घर में अगर थोड़ी सी अच्छा छोरा हो जाए ना आज्ञाकारी सुखी हो जाएगा, बेटा का नाम क्या था मेघनाथ, रामायण देखे हो, रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, जिस समय लक्ष्मण ने युद्ध कर रहा था लक्ष्मण को साथ में मेघनाथ, उनको लक्ष्मण को मारने के लिए पहले मेघनाथ ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया लेकिन ब्रह्मास्त्र भी विमुख होकर चला गया, फिर पाशुपात अस्त्र प्रयोग किया वो भी विमुख हो गया, उन्होंने लास्ट में नारायणी अस्त्र प्रयोग किया, लक्ष्मण को परिक्रमा करके गायब हो गया। मेघनाथ को पता चला ये नर नहीं ये नारायण है, इसलिए उसको पिताजी को बोला, बोले पिताजी ये नर नहीं नारायण है, सीताजी की मोह त्याग करके सीताजी को वापस दे दो, ये नारायण मेरी अनुभूति है, ये अस्त्र को कोई काट नहीं, लेकिन आज ये तीनों अस्त्र निष्फल हो गया दे दो, लेकिन रावण सुना ही नहीं, लेकिन लक्ष्मण को पता आज मैं मरने वाली है, मेघनाथ को पता, लेकिन इतने आज्ञाकारी बेटा था लास्ट में अपना पिता के लिए प्राण त्याग दिया, इतने आज्ञाकारी बच्चा, लेकिन कहते राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को शांति भी सुख नहीं मिली, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा पैसा कमा लेंगे अच्छे छोरी से शादी कर लेंगे कोई नौकरी कर लेंगे सुख मिल जाएगा, नहीं भैया ये जो जड़ वस्तु ये अनित्य वस्तु संसार है, अनित्य वस्तु तुम्हें कभी नित्य शांति दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वस्तु नश्वर है, नष्ट होने वाले वस्तु, शांति सुख तो केवल प्रभु का प्रेम ही दे सकता, भक्ति दे सकते हैं, ये भी उसके ऊपर कुछ बोलेगा सुना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, गौरांगी मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथेव तनिमा मध्ये गतौर्मन्दिमा श्रोण्यां च प्रतिमा भूकुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरा बाघीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। हरिशरणं भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रतिनीक अखिल गुणगण निलय श्री भगवान राधा माधव की महती कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को श्री महाराज जी के चरण शरण में बैठ करके उसको सुनने का और उसको श्रवण करके मनन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देखिए वेद की एक ऋचा है, आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निरिध्यासितव्यः, मतलब देखो पूरे के पूरे चारों वेद हैं, चार वेद। अब किसी चीज का अगर किसी चीज की मेरिट्स हैं तो उसकी डीमेरिट्स भी हैं। पूरे के पूरे वेद के अंदर एक एक श्रुति का खंडन भी है, लेकिन केवल ऐसी श्रुति है जिसका खंडन संभव नहीं है। क्या? यही वाली श्रुति जो मैंने बताया है।
जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाह जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो क्या करे? दृष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः और निरिध्यासितव्यः। हमें सुनना है, श्री भगवान को सुनना है। भगवान को सुने कैसे? तो केवल और केवल एक ही बात है, श्रोतव्यः, साधु संगतव्यः और श्रोतव्यः ब्रह्म वाक्यभ्यः। भगवान की दिव्य चर्चा को सुनना ही वेद ने बताया है हमारे कल्याण का प्रशस्त मार्ग है। हम लोग श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत, यहाँ पे श्री शब्द जो है वो राधा रानी है। श्रुणाते ति श्री, श्रावयते ति श्री, श्रुणोति आश्रित दुख जन इति श्री। श्री राधा रानी ही, श्री राधा रानी जो है उनका ही ये श्रीमद् भागवत जी है, वही श्रीमद् भागवत जी है। देखिए, जो महाराज जी जिस कथा का अभी वाचन कर रहे थे, जो मुझे महाराज जी ने आज्ञा दी है सुनाने के लिए, उसका शीर्षक क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये श्रीमद् भागवत जो है ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी। किसी को भी भयंकर प्रेत पीड़ा हो रही हो, आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ। अभी 7 दिन पहले की बात है, मैं श्री वृंदावन में जब मैं था तो परिक्रमा मार्ग, जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे तो वहां पे मैं एक संत के साथ परिक्रमा कर रहा था। जब परिक्रमा कर रहा था तो अटल्ला चुंगी से आगे गया, आगे जा करके एक सदग्रहस्थ वैष्णव के घर में गया। उनकी जो वधु है, उनकी जो बच्चे की, जो उनका बेटा है, उनकी जो पत्नी है, उसको भयंकर प्रेत पीड़ा हुई। अभी 7 दिन पहले की बात है, सच्ची घटना है। उस उनकी जो बहू थी उसके अंदर प्रेत पीड़ा आ गई, उसको उसके अंदर आत्मा आ गई, सच्ची बात है ये। और सारे के सारे यतन कर लिए, सब जतन करके देख लिए, फिर उसके बाद किसी संत को लेकर के आए। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत जी का पाठन और श्रीमद् भागवत जी की कथा हो, कोई जरूरी नहीं है कथा हो, अगर मान लो श्रीमद् भागवत जी को पढ़ लिया जाए, उसका पूरा साप्ताहिक केवल अनुष्ठान कर लिया जाए तो हो जाएगा। महाराज जी, पहला श्लोक हुआ सच्चिदानंद रूपाय से, और पंचम दिवस की कथा के अंदर ही उसके अंदर से वो प्रेत वो निकल गया। और वो जब प्रेत निकला तो वो जोर से बोला, वो यही बोला कि अब हम जा रहे हैं, हमारी मुक्ति हो गई है, और वो तुरंत निकल गया। झूठी बात नहीं है, श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में बोल रहा हूं, ये सच्ची बात है। अभी से 7 दिन पहले की बात है श्रीमद् भागवत जी, और बात भी कहां की है? परिक्रमा मार्ग की है। देखिए, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। आत्मदेव कैसे ब्राह्मण थे? नित्य संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। तो उनको दोनों को, वो जो धुंधली थी वो बहुत सुंदर थी वो, और वाक्पटुता में भी निपुण थी। लेकिन उन दोनों को एक पीड़ा थी कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई आत्मदेव को, तो वो एक नदी के किनारे गए, बहुत प्यासे थे। जब वो नदी के किनारे पहुँचे, जब उन्होंने देखा, और देखते ही जब वो सोचे कि ये जीवन धिक्कार है, धिक जन्म विनाशैव धिक जन्म विना वंशः, बिना वंश के, बिना संतान के ये जीवन धिक्कार है, तो वो कूदने के लिए, जैसे ही उस नदी में अपने प्राणों का अंत करने के लिए उद्यत हुआ, तुरंत एक संत निकले। वो संत आए और आकर के आत्मदेव जी को रोका, रुक जाओ, ये इतना अनमोल शरीर तुमने प्राप्त किया है, उसके बाद तुम क्यों मरने के लिए जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, आत्मदाह करने का अधिकार किसी प्राणी को नहीं है। ये शरीर श्री भगवान का दिया हुआ है और हमारा कोई अधिकार नहीं है हम आत्मदाह करें। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे द्वारा तर्पण किए हुए जल को मेरे पितृ नहीं लेते हैं, मैं इतना परेशान हूं, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं? तो उन संत ने कहा, अरे क्या करोगे संतान का, भगवान का भजन सर्वश्रेष्ठ है, कौन संतान तुमको सुख दे देगी? उसने नहीं माना। तो उस संत ने कहा, आज से 7 जन्म तक तेरे यहाँ कोई संतान का योग नहीं है,
इसलिए तू क्यों जिद कर रहा है? जब तुझे अब बता दिया है तो तू भजन कर। त्वं जन्मना नायते एक्यम एक्यम बहुव्यः, एक भी संतान तुम्हारे यहाँ नहीं है तो तू यहाँ पे क्यों क्यों मरने की चेष्टा कर रहा है? फिर भी वो आत्मदेव जी नहीं माने, नहीं मुझको संतान चाहिए, नहीं मुझको संतान चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फलम दत्ताम इमाम श्रेष्ठः, उन्होंने एक फल दिया आत्मदेव को, उन संत ने फल दिया कि लो ये अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। जब वो वापस गया तो उसकी पत्नी थी धुंधली। देखिए वो जो पत्नी थी उसकी, वो पत्नी थी तो बहुत सुंदर, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। उसको अपनी सुंदरता में बहुत 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 अभिमान था। देखिए किसका शरीर सुंदर, वास्तव में शरीर सुंदर होने से व्यक्ति सुंदर नहीं होता, वास्तव में सुंदर कौन है? श्रीमद् मानसकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जे तनु पाए भजिए रघुवीरा। सोई सुंदर, वो ही सुंदर है, उसी का शरीर सुभग है, सुंदर भगों से युक्त है, जिसने ये शरीर प्राप्त करके श्री भगवान को भजा है, अन्यथा कोई सुंदर नहीं है। नैव सुंदर नैक्यम सुंदरं तु भवेत्, कोई सुंदर नहीं है, केवल वही सुंदर और वही श्रेष्ठ है जो इस जन्म में श्री भगवान का भजन करते हैं। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जे तनु पाए भजिए रघुवीरा, जो श्री भगवान का भजन करते हैं। ठीक है, तो उस धुंधली ने क्या किया, आत्मदेव ने लिया फल और उसको दे दिया कि ये पा लेना, संत का दिया हुआ प्रसाद है, अवश्य में वो ये कार्य करेगा और अवश्य तुमको संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। तो वो दे करके आत्मदेव और चले गए। अब धुंधली बोली अपनी बहन से, अरे बहन क्या करूं, ये फल मान लो मैं खा लूं तो मेरे को फिर गर्भ धारण करना पड़ेगा और गर्भ धारण करने में पीड़ा होगी और फिर मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी, और या अगर मान लो ज़्यादा ही दिन वो बच्चा ठहर गया मेरे गर्भ में तो शुकदेव जी की तरह 6 महीने तक मैं उसको लिए रहूँगी, इसलिए मैं नहीं खाती ये, मैं ये वाला जो ये फल है ये गाय को दे देती हूँ। उसने संत के प्रसाद में अश्रद्धा उत्पन्न करी। देखिए संत का अविरल महत्व है। आप एक क्षण के लिए श्री भगवान के, देखो भगवान का वचन क्या है, यश श्वासो ही वेदः। लोग कहते हैं, कई बार कई लोग कहते हैं कि वेद क्या है, वेद भगवान के श्वास से निकली है, ये गलत है। वेद भगवान के श्वास से नहीं निकली है, भगवान का श्वास ही वेद है, यश श्वासो ही वेदः, भगवान का श्वास वेद है। तो भगवान के वचन में और संतों के वचन में ना भेद करना चाहिए, कभी भेद नहीं करना चाहिए। उसने भेद किया, उसने नहीं मानी संत की बात, और संत की बात ना मानने के कारण क्या हुआ, वो फल उसने गाय को खिला दिया। और कुछ दिन बाद उसकी बहन के यहाँ एक बेटा हुआ, और जब बेटा हुआ तो उसकी बहन के जब यहाँ एक बेटा हो गया तो उसने चुपचाप उस धुंधली ने वो अपनी बहन के से बेटा मंगा लिया कि तू मेरे पति को बताइयो मत और मैं इसका पालन पोषण करूंगी, यूं कह दूंगी ये मेरा बेटा हुआ है। और उसने उसका नाम रखा धुंधकारी, अपने बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। देखो यहाँ पे एक साइंटिफिक वे बताता हूँ आपको, कभी भी किसी के यहाँ भगवान की कृपा से किसी शिशु का जन्म हो जाए तो अपनी मर्जी से नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नामने संस्कारः प्रजायते तत्क्षणम्। यदि हमने ऊट पटांग नाम उस बच्चे का रख दिया तो वो ऊट पटांग नाम से उसके संस्कार भी ऊट पटांग हो जाएंगे। हमारे पूज्यपाद श्रीपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी की एक शिष्या है जो कनखल हरिद्वार है, वहां पे कॉलेज है, उनकी प्रोफेसर है, आज भी है वे, अब तो रिटायर हो गई है वे, उनकी कृपा उनकी वजह से ही मैं मठ में आया हूँ, उन्होंने सबसे पहले प्रशस्त किया था मार्ग। तो उनकी बेटी है, तो उनकी बेटी की सास ने उनकी बेटी के बेटे बेटी का नाम रखा विष्टा। बताओ विष्टा किसको कहते हैं जानते हो, पोटी को विष्टा कहते हैं। अब रख दिया उसका नाम विष्टा, अब वो गई जाकर के पूछा अच्छा तूने नाम क्या रखा है, बोली विष्टा। अरे हद हो गई महाराज, ये पता है इसका अर्थ क्या है। इसीलिए कभी भी स्वयं नाम ना रखें।
अगर कुछ नाम रखना ही है, उपयुक्त तो और उत्तम तो ये है कि संत के द्वारा नामकरण कराया जाए। अगर कोई ब्राह्मण है तो उस ब्राह्मण के द्वारा नामकरण कराया जाए। खुद कभी नाम नहीं रखना अपने शिशु का, तो उसने उसका नाम रखा धुंधकारी। वो ऐसा ही हुआ महाराज, इतना शैतान, इतनी ज्यादा मतलब ऐसी हरकतें करता, अपनी माँ का जीना उधम कर दिया, इतनी परेशान से परेशान हो करके और इधर से उधर ऊट पटांग कार्य करता। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी बना ली गर्लफ्रेंड, और महाराज गर्लफ्रेंड बना ली, कितनी वेश्याओं को अपने घर में ले आया, अपनी माँ को ऊट पटांग बोल दिया। पर माँ क्या करे, माँ बच्चे बच्चा कैसा भी कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, बेटा बेकार हो जाए लेकिन माँ कभी बेकार नहीं होती। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, तो क्या करे बिचारी स्वयं ही जाकर के मर गई। अब क्या करे वो, अब धुंधकारी ने परेशान कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, उसके जो वो जो वैश्या लेके आया अपने घर, और वैश्याओं ने क्या किया, एक दिन धुंधकारी सो रहा था, सोने के बाद सारी वैश्याओं ने एक दूसरे से चर्चा किया कि बहन ये तो रोज रोज चोरी करके लूट खसूट करके माल लेके आता है, एक किसी दिन राजा को पता चल गया तो हम सब फंसेंगे इसके साथ। तो सारी वैश्याओं ने क्या किया, जलते हुए अंगारे उस धुंधकारी के मुंह में डाल करके उसको वहीं मार दिया। अब ये देखो ये सब यही सब होता है। हम लोग किसी पे ओवर विश्वास कर लेते हैं तो ओवर विश्वास का काम भी यही होता है। इसीलिए विश्वास करने लायक कौन है, संत। विश्वास करने लायक संतप वचनेभ्यः श्रीपाद श्री भगवान वचनेभ्यः सविश्वास कर्तुम अन्यथा ना कर्तुम समर्थभ्यः, केवल और केवल श्री भगवान और संत वेद वाक्य पर ही विश्वास करना चाहिए और किसी पे नहीं। उसने यही किया, वो मर गया। मरने के बाद भयंकर प्रेत हुआ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, महाप्रेतोत ही संभवत्याद्वत भवो हो, ऐसा भयंकर प्रेत हुआ। प्रेत भी नहीं, भयंकर प्रेत हुआ। और जैसे ही प्रेत हुआ तो एक दिन गोकर्ण जी संध्या वंदन कर रहे थे तो गोकर्ण, अच्छा वो जो फल खिलाया था ना गाय को, वो क्योंकि संत का दिया हुआ प्रसाद था, तो प्रसाद से वो गाय को खिलाया हुआ, जो गाय को वो फल खिलाया तो गाय के उदर से गाय के गर्भ से निकले श्री गोकर्ण जी। उनका जो कान था वो गाय के कानों जैसा था, इसलिए उनका नाम रख दिया गोकर्ण। परम संस्कारी, परम विद्वान, परम भागवत स्वरूप श्री गोकर्ण जी हुए, क्योंकि वो संत का प्रसाद था। याद रखिए, संत का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हम लोग कभी कभी कहते ना, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही संतों का आशीष कभी व्यर्थ नहीं जाता, न व्यर्थे न बहुभात ही, कभी व्यर्थ नहीं जाता कैसे भी कर लो। तो गोकर्ण जी हुए परम वैष्णव हुए। उन्होंने अपने पिता जब परेशान हो गया कि मेरा बेटा कैसा निकला, आत्मदेव जी को उन्होंने उपदेश किया, इतना सुंदर उपदेश किया श्रीमद् भागवत जी में। इस श्लोक को सुनिए, इस श्लोक में ही है यहाँ का सार। असारे संसारे विषय विष संध्या कुल धिया क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत कुलगाथाम तुलसुधाम किमार्थम व्यार्थम भो ब्रज ककुपते कुछ स्थित कथे। क्षणार्थम व्यार्थम भो किमार्थम व्यार्थम भो क्षणार्थम क्षणार्थम विना सत्संगेन विना प्राप्तेन विना श्रीपाद कृपायेन त्वम आश्रितायाम त्वम आश्रितायेन संब्रम्य अपथ। बिना संतों की शरण में जाए, अपने कुटुंब में आसक्त हुए, व्यक्ति का ऐसे पतन हो जाता है जैसे आग के ऊपर पतंग जैसे आग में पड़ती है तो वो जल करके अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसीलिए आप समस्त धर्मों का परित्याग करके केवल और केवल श्री भगवान के चरण शरण में पहुंच जाइए। आत्मदेव ने वही किया। उसके बाद जो धुंधकारी था वो महाप्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण जी संध्या वंदन कर रहे थे, संध्या वंदन मस्तु वेत वरतम, संध्या वंदन कर रहे थे गोकर्ण जी। जब गोकर्ण जी संध्या वंदन कर रहे थे तो ये आया, कभी हवा, इसका स्वरूप कैसा था,
इसका स्वरूप था, ये चक्र की तरह घूमता था बिल्कुल, और कभी एक हवा से उधर पहुंच जाता था, कभी एक हवा से उधर पहुंच जाता था। तो आया आकर के गोकर्ण जी ने कहा, भैया तू कौन है? तो बोले, भाई साहब मुझको भूल गए, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। अच्छा तू क्या, तो क्या हो गया? बोले मेरा ऐसा विनाश हुआ है कि मैं भयंकर प्रेत हो गया, मैंने कोई भागवत धर्म का पालन नहीं किया, ना संतों का सत्संग सुना, ना ही संतों की कथा में बैठा, ना भगवान के नाम का जप किया, मेरी ऐसी भयंकर दुर्गति हो गई। तो उन्होंने कहा, भैया मैंने तो तेरा पिंडदान भी कर दिया था, तेरा पिंडदान गया जी में कर दिया था। तो बोले, ऐसे 100 पिंडदान कर दो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होनी। तो बोले, फिर तेरी मुक्ति कैसे होगी? तो क्या किया गोकर्ण जी ने, गोकर्ण जी ने साक्षात श्री सूर्य नारायण की उपासना करी। सूर्य नारायण के आगे हाथ जोड़कर कहा, देखिए सूर्य नारायण कौन है? वेद में लिखा है, सूर्य मंडल मध्यस्थम श्री राधा कृष्ण समन्वितम, सूर्य मंडल मध्यस्थम सीता राम समन्वितम, सूर्य मंडल मध्यस्थम सीताराम समन्वितम। ये सूर्य के मंडल के भीतर साक्षात श्री सीताराम जी अथवा श्री राधे गोविंद जी हैं, इसीलिए सूर्य को अर्घ या सूर्य को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। इसीलिए उनसे पूछा गोकर्ण जी ने कि हे सूर्य भगवान, आप ही बताइए इसकी मुक्ति कैसे हो? तो एक शब्द में उत्तर दिया सूर्य भगवान ने, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत जी का पारायण करो और श्रीमद् भागवत जी से इस प्रेत आत्मा की मुक्ति निश्चित हो जाएगी। ऐसा ही किया श्री गोकर्ण जी ने, समस्त विप्रों को बुलाया सुनने के लिए और श्रीमद् भागवत जी का साप्ताहिक पारायण किया। सातों दिन में वो ठहर नहीं पा रहा था जो धुंधकारी, तो वो एक बांस में घुस गया जिसकी 7 गांठे थी। एक एक दिन के श्रवण से, सप्तक दिवस में जो श्रवण किया उसमें एक एक दिवस के श्रवण से एक एक गांठ फटी, और सातों सप्तम दिवस में 7 गांठ फट गई, और फटते ही वो साक्षात श्री भगवान के स्वरूप में चतुर्भुज होकर के दिव्य कुंडलों को धारण करके श्री भगवान का दिव्य विमान आ गया उसके पास, और दिव्य विमान में बैठ करके श्री भगवान के वैकुंठ धाम में वो चला गया। भगवान के वैकुंठ धाम में चला गया। अन्य लोग बैठे, अन्य लोग ने भी कथा सुनी, उनके लिए नहीं आया। फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना करी गोकर्ण जी ने कि भैया धुंधकारी तो चला गया, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत की सब कितनी भयंकर, कोई दुष्ट हो कितना भयंकर दुष्ट हो, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ, कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार इतने पाप कर दिए आज तक, इतने ज़्यादा परेशान कर दिया और इतने ज़्यादा दुष्कर्म कर दिए, ऐसे ऐसे कर्म हम लोगों ने, मैंने तो ऐसे ऐसे चरित्र किए हैं कि मैं यदि आकर आपके सामने उसको मुखस्त किए हुए उसको शाब्दिक रूप से प्रस्तुत करूं तो शर्म भी शर्मा जाए। हम लोगों ने ऐसे ऐसे चरित्र कर रखे हैं, लेकिन फिर भी चिंता की बात नहीं है। इस कथा का शीर्षक यही है कि कितना भी भयंकर से भयंकर पाप हम लोगों ने किया हो, लेकिन श्रीमद् भागवत जी जो साक्षात कृष्ण हैं, उनकी शरण में जाने से हम समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के नित्य धाम के अधिकारी हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। हरे कृष्णा। देखो जब उन्होंने कथा सुनाई, लेकिन केवल गोकर्ण के लिए एक रथ आया, लेकिन सभी के लिए रथ नहीं आया। तब उन्होंने प्रश्न किया विष्णु दूतों को, बोले यहाँ तो कथा सुनने के लिए इतने सारे भक्त लोग बैठे हैं, लेकिन आप एक ही रथ क्यों लाए? बोले देखो यहाँ पर बैठे तो हैं लोग, लेकिन विश्वास गुरु वाक्यसु स्वस्मिन दिनत्व भावना, कुछ कुछ लोग तो बैठे हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं कि भागवत कथा में उनको विश्वास नहीं। विश्वास नहीं होने का नाते ये केवल रथ एक व्यक्ति के लिए आया है, इसलिए नियम है कथा में हमें चाहिए हैं विश्वास। विश्वास के बगैर कुछ भी नहीं होता है, इसलिए विश्वास पूर्वक कथा सुने। पर स्वस्मिन दिनत्व भावना, दीनहीन हो करके कथा सुननी चाहिए, इसलिए केवल एक व्यक्ति सही सही कथा सुने। एक छोटी सी गल्प सुन लो। बोले एक समय कोई एक शिष्य था, रोज नदी पार करके गुरु जी का आश्रम में आता था, कथा सुन करके वापस चले जाता था। जैसे जन्माष्टमी आ गया, कृष्ण तो रात 12 बजे जन्म लेते हैं, अभी प्रसाद पात्र पात्र हो गया। एक चेला ने कहा, गुरु जी मेरे को तो जाना पड़ेगा घर में।
बोले क्यों रात को सो जाओ, कल चले जाना। बोले नहीं गुरुजी, मेरे को जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैं घर में जाऊंगा तो आपको याद करूंगा, अगर यहाँ रहूंगा तो बीवी बच्चों को याद करूंगा, अभी बताओ क्या करनी चाहिए। बोले ठीक है बेटा तू चला जा। बोले गुरुजी बीच में एक नदी आती है, ये नदी को कैसे मैं पार करूंगा? तब गुरुजी ने कहा देख बेटा मैं एक तुमको मंत्र लिख देता हूँ, ये मंत्र को हाथ में पकड़ लो फिर पानी के ऊपर चलते चलते पार हो जाओगे। बोले ऐसे मंत्र? बोले हाँ। बोले सचमुच से वो नदी में चल चल करके पार हो रहा था। बोले भैया गुरुजी इसमें क्या मंत्र लिखे जो नदी के ऊपर चलते चलते मैं जा रहा हूँ, अभी करीब करीब पार ही हो गया। बोले एक बार खोल कर देखूँ तो सही। उसको खोल करके देखा, उसमें लिखा हुआ था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले इतनी सी बात, बस झट उसने पानी में वहीं पर डूब गया। इसका मतलब है कि जो भगवान का जो नाम है उसको प्रति हमारी विश्वास होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। बोले विश्वास पूर्वक कथा सुनना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब कथा सुनाई, सबके सब लोग आए, फिर सात दिन में जितने लोग बैठे हुए थे सभी के लिए विमान आया, सभी के सभी मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त किया। देखो हम भी कथा सुन रहे हैं, कथा जब विश्राम हो जाएगा ना हम सभी के लिए भी एक एक रथ आएगी। आप लोग जाओगे? कौन कौन जाएगा हाथ उठाओ तो? कोई हाथ नहीं उठा रही, देखो डर गए, सचमुच से रथ नहीं आ जा। इसलिए हाँ, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए तब तक ये रथ नहीं आएगी जब तक हमारी दृढ़ विश्वास नहीं हो जाए और हम भगवान की भक्ति में सरावर नहीं हो जाए, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए कहते जो श्रोता है ना, कहते श्रोता दो तरह के हैं। कितने तरह के? आज मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा कौन बता पाते हैं। श्रोता कितने तरह के हैं? एक अच्छे श्रोता और एक साधारण श्रोता। जो अच्छे श्रोता कहते वो चार ही तरह के हैं। कितने तरह के? पहला नंबर है हंस। हंस को आप दूध दो, देखना वो दूध दूध को पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। कथा कैसे सुननी चाहिए? सार, कथा की सार को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए एक मधुमक्खी और एक मक्खी, एक मधुमक्खी और एक मक्खी। बोले मधुमक्खी कहाँ बैठता है? पुष्प में। लेकिन मक्खी कहाँ बैठती है? गंदी चीज में। इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, हमें मधुमक्खी बननी चाहिए। ये पहला नंबर है। फिर दूसरा नंबर बता मछली। आप लोग मछली देखे होंगे, मछली का जो आँख है ना पलक कभी झपती नहीं, वो आँख हर समय खुली रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए? मछली जैसे एकदम आँख खोल करके, मतलब एक मन से टकटक लगा करके कथा सुननी चाहिए। बोले दूसरा नंबर श्रोता कौन है? बोले चातक, एक चिड़िया है। ये कभी नदी का पानी नहीं तो तालाब का पानी नहीं पिएगा, जब बारिश ही हो स्वाधि नक्षत्र का पानी ये पीता है। कहते इसका मतलब है हमें कथा कैसे सुननी चाहिए? कहते हमें ये चातक जैसे, इसका मतलब है कथा सुने तो ठाकुर जी की कथा सुने, ऐसे नहीं बैठ गए बिना कारण की बैठ करके इधर उधर की गप्पे मार रहे, नहीं, हमें चातक जैसे होनी चाहिए। जो चौथा नंबर है तोता, ये तोता में एक विशेष गुण है, वो किसी कच्चा फल में चोंच नहीं मारेगा, उसको पता है पक्का फल कौन और कच्चा फल कौन है, कच्चा, इसलिए केवल पक्के फल में ही चोंच मारता है। मतलब है ये मुंह जहाँ तहाँ नहीं मारनी चाहिए, मुंह कहाँ मारनी चाहिए? पक्के फल में, मतलब जहाँ पर भगवान की कथा हो ठाकुर जी की चर्चा हो वहीं पर ही मुंह मारनी चाहिए। इसलिए चार तरह का साधारण श्रोता है। पहला नंबर है ऊंट। आप लोग ऊंट को देखे होंगे, अगर ऊंट को कोमल कोमल कोई पता तो नहीं खाएगा, वो ढूंढ का कांटा पेड़ कहाँ पर है, बबलू का पेड़ कहाँ पर है। मतलब है भगवान की कथा ही सुननी चाहिए, हैं? इधर उधर के जैसे ऊंट जैसे कांटा फल को खाता है, उधर उधर चीज में हमें नहीं खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए? भगवान की कथा। दूसरा नंबर बैल। अब बैल को आप घास भूसा दे दो और सुंदर सुंदर फल दो, वो दोनों में फर्क नहीं मानता है, दोनों को बराबर मानता है। मतलब क्या है? ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की बात हो, दोनों को जो बराबर मानते, बोले नहीं ऐसे नहीं। इसलिए भगवान कथा को ही श्रेष्ठ माननी चाहिए। जो तीसरा नंबर है कहते भुरुण। कहते ये चिड़िया रहता है हिमालय पर्वत में,
इसका एक विशेष गुण है, आप इसको जैसे सुनाओगे ना ठीक वैसे तो आपको सुना देगा, सुन भी लेगा सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में जब करेगा वो उल्टा करेगा, सुनेगा सुनाएगा लेकिन जीवन में एक अक्षर वो जीवन में उतारेगा नहीं, कहती है भुरुंड है। और चौथा नंबर है कहती ये गधा, गधे को पीठ के ऊपर में दाल चावल सब कुछ तो ले जाते हैं ढो करके, लेकिन माली कभी एक गिलास शरबत नहीं पिलाता है, कभी एक परांठा नहीं खिलाता है, क्या खाता है वो घास ही खाता है। कहते इसका मतलब है सब कुछ उसे शास्त्र को ढोएंगे लेकिन अपना जीवन में उसको हम नहीं उतारेंगे। इसलिए कहते कथा सुननी कैसे चाहिए, सुननी चाहिए चातक जैसे, मछली जैसे, हंस जैसे कथा सुननी चाहिए, फिर तो क्या होगा एक दिन हमें भगवत प्राप्ति एक दिन जरूर होएगा। इसलिए फिर गोकर्ण ने कथा सुनाई, सबके सब लोग आकर के बैठे कथा सुने तो सबके सबको भगवत प्राप्ति हुई और जीवन में परम शांति और परम सुख जीवन में प्राप्त हुआ। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की। हाँ देखो हमारी जो कथा का समय प्रभु कितने से कितना तक है, 4 से 7 तक है। आज पहला दिन था, आज थोड़ा लेट हो गई, लेकिन कल से हम ठीक 4 से लेकर के 7 बजे तक कथा सुनेंगे और 7 बजे कथा को हम विश्राम दे देंगे, लोग फिर प्रसाद पा करके अपना घर में फिर वापस जा सकते हैं। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे आप जब कल आओ ना अकेले अकेले नहीं आने चाहिए, गुरु जी कहते थे 10-10 भक्तों को लेकर के आना, गुरु जी कहते थे। देखो जैसे रास्ता में कोई चीज़ पड़ा हुआ, कोई मीठा चीज़ पड़ा हुआ, अब देखना गई आकर खा कर चला जाएगा, बकरी आएगा वो भी खा कर चला जाएगा, भैंस आएगा वो भी खा कर चला जाएगा, लेकिन अगर चिट्टी को पता चले गया तो चिट्टी क्या करता है, बोलो चिट्टी क्या करेगा, वो खाएगा पूरा परिवार को बुला करके ले जाएगा, वो अकेला नहीं खाएगा सबको, हाँ सबको बुला करके खिलाएगा। कहते उसी तरह श्रोता कैसे बननी चाहिए हमें, कैसे बननी चाहिए श्रोता हमें, चिट्टी जैसे खुद भी खाए और सबको भी बुला करके लाए और सबको भी खिलाए, ठीक है। और ये भागवत कथा को अगर 7 दिन तक हम ठीक ठीक से भागवत कथा सुनेंगे तो हम जो कुछ भागवत से प्रार्थना करेंगे, ये सांसारिक स्त्री पुत्र परिवार रुपया धन दौलत तो ये आसानी से दे देती हैं, और क्या देती हैं, भगवत चरण में प्रेम प्रीति भगवत प्राप्ति भगवान के चरण की सेवा ये भागवत हमें प्रदान करती है। इसलिए कल आप लोग कोशिश करना ठीक 4 बजे आए और 7 बजे कथा को हम टाइम से विश्राम देते, ठीक है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राधे। प्रभु जी एक भजन गाएंगे, नाचने वाला भजन बोलो, इसलिए आप लोग सब खड़े हो जाओ। देखो भगवान की कीर्तन में नाचने का बड़ा महत्व है, भगवान की कीर्तन में जो एक बार नाच लेना उसको 84 लाख योनि में नाचना बंद हो जाएगी, इसलिए सबके सब कीर्तन में नृत्य करना। नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरे कामिया के Thank you.
पहले से रेडी कर रहे हैं, इस बार काम है।
हरि रो कृपा गीत नर हे नारिणी Yeah.
देखो ठाकुर को सामने एक बार जो नाचेगा ना उसको 84 लाख जोड़ी में नाचना बंद हो जाएगा, फिर तक कहीं उसको नाचना नहीं पड़ेगा। और ठाकुर को सामने जो नहीं नाचेगा फिर तो सबको सामने नाचना पड़ेगा, बीवी को सामने, पति को सामने, बेटे को सामने, बहू को सामने, और देख लो किसको सामने नाचोगे। एक बार हाथ उठाओ, सबके सब हाथ उठाओ। देखो जब तक द्रौपदी हाथ नहीं उठाए ना, कन्हैया वस्त्र नहीं दिया, जब तक बच्चा हाथ नहीं उठाता मैया दूध नहीं पिलाती है। हाथ उठाना मतलब ठाकुर जी तेरे सिवाय मेरे और जग दुनिया में कोई नहीं, तुम ही मेरे हो, इसलिए हाथ उठा लो सब सब। और थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी शरीर को हिलाते हुए नाचना, बोले हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल हरी 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 बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल हरी हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल 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 प्रसाद ले मेरे पास में। किधर आ?